Hello, everyone, and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. So, in this particular revision lecture, we are continuing with our series for. इंटरमीडिएट पेपर नंबर टू कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस टू थ्री ऑलरेडी डाउट आ रहे थे काफी सारी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आई थी फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर नंबर फोर सर हियर वी आर एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर फोर रिविजन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात हमारा एक रिविजन uh, के लिए एक एमसीक्यू के लिए टेलीग्राम चैनल है आप जस्ट उसके अंदर सर्च कर सकते हो सी ए इंटरलॉ

उसी के थ्रू हम काफी सारे आगे ऐसी चीजें करने वाले हैं जिसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन सिर्फ टेलीग्राम पे आएगी फॉर एग्जाम्पल अ मेंटरशिप सेशन फ्री जूम पे हम एक यू नो वी आर गोइंग टू शेड्यूल इट उसकी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे ही आएगी सो एंश्योर यू ज्वाइन दैट फॉर ऑल द बेनिफिट्स एंड सॉल्व द एम सीक्यूज वेरी वेरी ऑनेस्टली उसमें से गलतियां निकलेंगी उसको लिख कर रखो ताकि आपको वो डाउट्स क्लियर हो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर फोर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स पहली बात तो बहुत इजी चैप्टर है अगर दिमाग में कहीं पे भी अगर दिमाग में कहीं पे भी ऐसा है कि सर मुश्किल है तो उसको एक बार निकाल दो अगले डेढ़ दो घंटे में हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा फाउंडेशन के साथ स्ट्रॉन्ग कर देंगे ओके okay? एक जनरल डिफरेंसिएशन बिटवीन शेयर एंड स्टॉक स्टॉक इज अ कलेक्शन ऑफ फुल्ली फुल्ली पेड 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 अप 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 पार्टली नहीं इसके बारे में थोड़ी चर्चा हमारी बाद में होगी लेट स्टार्ट विद सेक्शन नंबर थ्री ऑफ शेयर कैपिटल सर काइंड ऑफ शेयर कैपिटल किस कंपनी के लिए रिलीवेंट रहेगा द कंपनी इज लिमिटेड बाय रादर देन अ कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी राइट दो प्रकार के शेयर कैपिटल होते एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फर्दर इक्विटी शेयर कैपिटल के दो प्रकार होते

सर बेसिक मतलब समझाओ ये इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है सी इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब वो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो लेट्स डिफाइन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड वट इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इक्विटी शेयर कैपिटल क्लियर तो सर शेयर कैपिटल क्या होता है मैंने उसके बारे में छोटा सा आपको हैंड रिटन नोटिंग दे दिया है ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा ठीक है ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा तो सर बेसिक बात समझ लो फिर आप रीडिंग तो लेते रहना ये तो मेन हमारा कंसेप्ट के ऊपर ध्यान है कि शेयर कैपिटल मस्ट सेटिस्फाइड टू कंडीशन फर्स्ट मस्ट प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड और वो प्रेफरेंशियल राइट इज इधर इन फॉर्म ऑफ फिक्स रेट जैसे सिक्स परसेंट और फिक्सड अमाउंट जैसे आप कुछ एक अमाउंट दे दो एंड इट हैज अ प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और अदरवाइज की अगर कंपनी रीपेमेंट कर रही है तो उनको प्रेफरेंशियल राइट right मिलेगा तभी तो वर्ड यूज करा जा रहा है प्रेफरेंस राइट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेफरेंशियल कैपिटल मे हैव एडिशनल राइट सर ध्यान से देखेंगे मैंने पर्पल में क्या मार्क किया है मस्ट हैव हैव एंड मतलब ऊपर वाला तो होना ही चाहिए नीचे वाला हो ना हो फर्क नहीं पड़ता पॉसिबल है कि प्रेफरेंशियल कैपिटल वालों के पास ये एडिशनल राइट right है क्या राइट टू पार्टिसिपेट इन एडिशनल डिविडेंट Additional मतलब तेरा जो decided है उसके ऊपर का. तो सर एक बस दिमाग में ध्यान रखना है कि ये वाली जो बातें हैं दोनों ये मस्ट नहीं है मे तो अगर ये हुई तब भी फर्क नहीं पड़ता नहीं हुई तब भी फर्क नहीं पड़ता प्रेफरेंशियर कैपिटल तो प्रेफरेंशियल कैपिटल ही रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ डी टू कंडीशन दीज टू कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और यही उन्होंने डिटेल में चर्चा करी है इस वाले फोकस इस वाले एक्सप्लेनेशन में और यह वाली बात अब आप हैंड रिटन नोट से समझ सकते हैं

पड़ेगा ये जनरल बातें मैंने हर जगह नहीं दी है बुक के अंदर और क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में इसको पढ़ लिया था राइट तो ये 92137 टू वन थर्टी सेवन का इसको करना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी नहीं है

ऐसे लर्न कर लो लेकिन जिनको चाहिए एक इसका प्यारा सा कोड नेम बनता है थ्री डी कैसा लैम्प खरीदना है थ्री सर थ्री मतलब ये तीन बार डी आने वाला है और एल आने वाला है सारा नीचे बोल्ड इटेलिक्स एंड अंडरलाइन में उसका वर्ड उसका लेटर हाईलाइटेड है ठीक है तो आज आप पहले अब कंडीशन पढ़ लेते हैं

वो इक्विटी शेयर जो है वो लिस्टेड है एक चीज का ध्यान रखना जब मैं ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स की बात कर रहा हूं मैं इक्विटी शेयर के लिए बात कर रहा हूं मैं और कोई सिक्योरिटी के लिए बात नहीं कर रहा मैं और कोई प्रेफरेंस शेयर के लिए बात नहीं कर रहा तो अगर आपके इक्विटी शेयर लिस्टेड है तो आप जनरल मीटिंग में मत रखवाओ आप पोस्टल बैलेट रखवा लो एंड उनके थ्रू फिर आप एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा लो उसका रीजन है सर बहुत सारे जने हो जाएंगे क्योंकि लिस्टेड में अ लॉट ऑफ पब्लिक इज इन्वॉल्व एम आई क्लियर ये सर लिमिट ऑन नंबर ऑफ सच शेयर सच मतलब अरे रहे डिफरेंशियल राइट्स वाले ओके इन टर्म्स ऑफ वोटिंग पावर अब हम एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहे

टोटल का 74 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए शाल नॉट एक्सीड मतलब लेस देन इक्वल टू ठीक है सर अब हमें तीन कंडीशन कंप्लाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू डिफॉल्ट पहली कर लेते आ जाओ ग्रीन कहा है भाई ग्रीन आ जाओ

सर, का मतलब मतलब क्या होता है? Very, very, very important word. Subsisting मतलब तेरा अभी कोई pending default नहीं है तो अगर तूने आज डिफॉल्ट ठीक कर दिया तो तू कल उसको इशू कर सकता है ठीक है तो नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर डिविडेंड डिक्लेयर मतलब इक्विटी क्लेयर मतलब इक्विटी प्रेफरेंस डिविडेंड को डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है ये इंटरप्रिटेशन पॉइंट मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था ओके रीपेमेंट ऑफ इट्स मेच्योर डिपॉजिट और रिडम्शन ऑफ इट्स प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स तो सर डिबेंचर्स का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है क्या आंसर इज यस डिपॉजिट्स का कोई इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है क्या आंसर इज यस तो ब्रैकेट में मैंने एक साथ डाल दिया इंक्लूडिंग इट्स इंटरेस्ट जहां पे भी एप्लीकेबल होगा ठीक है है तो ये ड्यू हो चुकी रिडेमशन रीपेमेंट के लिए क्या क्या ड्यू हुआ है सर डिक्लेयर डिविडेंट हुआ है deposits हुआ है हुए हैं प्रेफरेंस का जो है वो redemption हुआ है वो हुआ लेकिन आपने अभी उसका डिफॉल्ट कर रखा है अभी सब्सिस्टिंग है तो अगर ठीक कर दोगे तो आप इश्यू कर सकते हो इसमें कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है ठीक है ऐसा नहीं है कि आज ठीक होने के बाद मुझे वेट करना है आप अगले दिन कर देना क्योंकि वर्ड यूज कर रहे हैं सबसिस्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड नेक्स्ट सर फिर से कुछ डिफॉल्ट देखने आओ नो डिफॉल्ट इन सर्टन पेमेंट क्या क्या पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड सर ऊपर तो कवर किया अरे भाई ऐसे मत करो प्रेफरेंस शेयर का रिडेमशन बोला है मतलब ये जो बात कर रहे हैं हम अमाउंट की बात कर रहे हैं मेन अमाउंट की शेयर रिडेमशन की यहां पे उसके डिविडेंड की बात कर रहे हैं प्लीज लॉ में एक एक चीज का ध्यान देंगे नेक्स्ट रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन सर टर्म लोन मतलब अरे जैसे पांच साल दस साल का टर्म लोन लिया है कहां से पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एल वगैरह डिटेल्ड एनालिसिस की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है सेक्शन में है लेकिन ये ओके सो वगैरह या कोई स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई शेड्यूल्ड बैंक है सो शेड्यूल्ड बैंक मतलब अरे सारे शेड्यूल्ड है एच डी एफ सी आईसीआईसीड्यूल्ड बैंक है ओके दैट बिकम रीपेबल और इंटरेस्ट पेबल देगा तो टर्म लोन का पेमेंट नहीं कर रहे हो प्रिंसिपल का या उसके इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रहे हो ओके ड्यूज विध

इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स इसके लिए आपको कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करना पड़ेगा तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप ये डिफॉल्ट ठीक करोगे उसके लास्ट फाइनेंशियल ईयर से फाइव ईयर्स तक आपको वेट करना पड़ेगा फाइव ईयर्स तक तो उस पांच साल में फिर से कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके बाद फिर अगेन पांच साल का कूलिंग ऑफ लग जाएगा राइट सो प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी में इशू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स अपॉन एक्सपायरी ऑफ फाइव ईयर्स

एक्सचेंज मैनेजमेंट या कोई भी स्पेशल एक्ट उसके अंदर पिछले तीन साल में आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं लगाई होनी चाहिए किसके द्वारा कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा तो इसके अंदर तीन साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है आप जो भी मेंबर्स आप जो भी मेंबर से रिजोल्यूशन लोगे इधर इन मीटिंग और पोस्टल बैलेट सर ऐसा क्यों अरे लिस्टेड के, के केस में बैलेट करवाना है ना आपको पोस्टल बैलेट तो उसके नोटिस में जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा वहां पे सारी डिटेल्स दे, दे देना कि ये डिफरेंशियल राइट्स क्या है वोटिंग के रिस्पेक्ट में है पार्टिसिपेशन ऑफ डिविडेंट है क्या है ये ये सारा कुछ बता देना सर अगर आज मैंने नॉर्मल इक्विटी शेयर कैपिटल निकाला विथ वोटिंग राइट्स उसको मैं डिफरेंशियल वाले में कन्वर्ट कर दू ना और डिफरेंशियल वाले को नॉर्मल वाले में ना ना जी ना कन्वर्जन नहीं अलाउड ठीक है आप कोई भी कन्वर्जन नहीं कर सकते हो जो इशू हो गया वो हो गया बोर्ड रिपोर्ट में आप डिस्क्लोजर दे देना सर कौन सी बोर्ड रिपोर्ट अरे जिस फाइनेंशियल ईयर में आप ये वाला इशू लेके आ रहे हो कौन सा इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट उस फाइनेंशियल ईयर के बोर्ड रिपोर्ट जो बनती है सेक्शन 134 में उसके अंदर आपकी जो डायरेक्टर की रिपोर्ट में सारा डिस्क्लोजर दे देना कि भैया कैसे कैसे शेयर इशू हुए थे ओके okay. राइट्स ऑफ द होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स इनकी राइट्स कोई अलग है क्या नहीं सारा सेम है जस्ट एज नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर बस इसके पास कुछ डिफरेंशियल राइट है जो भी उसकी टर्म्स ऑफ इश्यू में दे रखे होंगे ठीक है और इन लोगों के सारे ऑफ आपको मेंटेन करने हैं इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अंडर सेक्शन एटी एट इसकी चर्चा अगले एक या दो चैप्टर में आपको मिल जाएगी डोंट वरी सेक्शन फोर्टी सिक्स सर्टिफिकेट ऑफ शेयर सर सर्टिफिकेट आज के इसमें मिलता है क्या अरे फिजिकल शेयर में मिलता है डीमैट और डिपोजिटरी के केस में नहीं मिलता है दिस शेयर सर्टिफिकेट सबसे This share certificate is a prima facie evidence of the title to shares. A certificate specifying the shares held by any person is a prima facie evidence. Prima facie मतलब सबसे पहला ऊपर ऊपर से अगर मैं सर्टिफिकेट में देखता हूं कि सिद्धेश का नाम है तो भैया माना जाएगा कि ये मेरा टाइटल है ये मेरे पास ये शेयर्स की ओनरशिप मेरे पास है ठीक है सर ये सर्टिफिकेट कैसे इशू होगा अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी बट सर कॉमन सील तो नेसेसरी नहीं होता आपने टेलीग्राम पे बताया था इसीलिए तो लिखा है ना इफ एनी अगर कॉमन सिल नहीं है तो उस शेयर सर्टिफिकेट पे साइन चाहिए दो जनों के कौन कौन आपके अगर कोई सीएस अपॉइंटेड है कंपनी का तो सीएस एन डायरेक्टर और अगर आपका कोई सीएस नहीं है तो कोई भी दो डायरेक्टर अपने को चल जाएंगे ठीक है सर अगर किसी केस में मेरा शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया डिस्ट्रॉय हो गया या फिर डीफेज म्यूटिलेटेड टोन हो गया खराब हो गया या फिर मैंने आके सरेंडर कर दिया उस सर्टिफिकेट को तो उसकी जगह क्या मुझे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिल सकता है आंसर इज येस मिल सकता है एज पर सबसे टू तो सेक्शन 46 सिक्स सबसेक्शन 2 आपको अलाउ करता है

कि हम इन रूल्स का जो कंप्लायंस करेंगे ना दिस विल बी कंप्लीटली ओवर एंड नॉट विध स्टैंडिंग विटन इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी मतलब सर आप आर्टिकल्स में कुछ भी लिख लो अपने को फर्क नहीं पड़ता वी विल कंप्लाई विद रूल नंबर फाइव सिक्स एंड सेवन तो ब्रैकेट में मैंने उसका मतलब भी दिया है और लीगल लैंग्वेज क्या कहती है नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब इग्नोरिंग एनीथिंग कंटेंट इन द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी ठीक है सर इस बच्चे को एक क्वेरी आई मैंने कहा बेटा क्या हुआ रहे सर आपने बोला कि ये शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में जब होते हैं शेयर्स तब ही दिया जाता है लेकिन अगर डिपॉजिटरी में है डीमेट फॉर्म में है तो उस केस में टाइटल क्या होगा जो रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी है ना दैट फेसी द एविडेंस ऑफ टाइटल ऑफ द शेयर ठीक है तो रिकॉर्ड

ओके लेट स्टार्ट वोटिंग राइट्स ऑफ अ मेंबर होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट है टू वोट एट एवरी रेजोल्यूशन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस्ड एट द मीटिंग ऑफ द कंपनी चाहे कोई भी रेजोल्यूशन हो हम उसके अंदर ये नहीं देखेंगे कि उसका टाइप क्या है कोई भी हो एक इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो वोट कर सकता है तो मेरा टेन हुआ ना पोल के अंदर पोल मतलब नंबर ऑफ शेयर देख रहे हैं तो फिर इसके अंदर क्या बड़ी बात है निधि के केस में रेस्ट्रिक्शन होता है एक मेंबर के पास कितने भी शेयर हो उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे ऑन पोल so, इन निधि ऑन पोल अ मेंबर कैन अरे फटाफट आ मेंबर कैन एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट ओनली अपू फाइव परसेंट ऑफ द टोटल बेशक उसके पास पचास परसेंट शेयर कैपिटल हो फर्क नहीं पड़ता हम करेंगे 5 का अब वहां से उठ के आया रेस्ट्रिका उठायासर होल्डर उठ के आ गया अरे सुनो मेरा क्या मेरे को किस किस में राइट right है मैंने कहा तेरे को सर सारे सारे के सारे वोटिंग सारे के सारे रिजोल्यूशन में यू डोंट हैव अ राइट टू वोट इट इज रेस्ट्रिक्टेड एक्सेप्ट इन वन केस एक्सेप्ट इन वन केस में तेरे को सारे रेजोल्यूशन में वो जो वन केस एक्सेप्शन उसके है कंपनी विच डायरेक्टली अफेक्ट द राइट अटैच टू द प्रेफरेंस शेयर मतलब तेरे ऊपर कोई इंपैक्ट आने वाला है क्या रिजोल्यूशन का तो तू वोट कर सकता है लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर वो वोट करेगा सारे रिजोलूशन में सर बताई दोनों क्या सस्पेंस रख रहे हो अगर अगर आपने प्रेफरेंस डिविडेंड

तो ये रिजोल्यूशन अगर इन चीजों के लिए वाइंडिंग अप रीपेमेंट रिडक्शन ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंशियल कैपिटल तो उस केस में वो वोट कर सकता है क्या बातें आपको क्लियर हो रही है यस yes, सर ज वोटिंग राइट मतलब मैं प्रेफरें शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं हिज वोटिंग राइट ऑन पोल शल बी प्रोपोर्शन टू हज शेयर इन द पेडअप प्रेफरशियर कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑब्वियसली बात है सौ में से अगर पच्चीस शेयर है उसके पास तो ट्वेंटी फाइव परसेंट का उसके पास राइट रहेगा सर इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में कैसे डिसाइड करेंगे सर टोटल ले लो ना इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना है उसी का प्रोपोर्शन यूज करना है उसमें क्या बड़ी बात है ये नहीं बोलते तब भी हम कर देते तो अगर इक्विटी शेयर कैपिटल हंड्रेड रुपीज है शेयर कैपिटल फिफ्टी है तो ये टू इज टू वन वाले रेशियो में वोट करेंगे तो उनकी वोटिंग राइट विल डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल प्रोपोर्शन क्या बड़ी बात हो गई इसमें चलो सर आगे आ जाओ Again, section forty-seven not applicable on private company where MOA or AOA provides memorandum or articles provide, provided section 92-137 complied, and similarly with respect to specified IFSC, public company, not a private company.

पूरा कंपनी लॉ का एक वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए वो एंड में आएगा मतलब रिविजन के बाद उसके साथ साथ फॉर्म्स की है। ठीक है वो भी मैंने आपको प्रॉमिस किया है तो एक बार रिवीजन खत्म होने दो फिर कंपनी लॉ के लिए आपके लिए बहुत कुछ लेके आऊंगा ओके सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर 48 एट वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट सर वेरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा अरे कंसेंट लेना पड़ेगा उन जनों से कि भैया कर दू ना मेरी कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है सर वेयर आर शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर सर क्लासेस का मतलब बताओ ना अरे जैसे सिक्स परसेंट प्रेफरेंस शेयर इज वन क्लास सेवन परसेंट प्रेफरेंस शेयर

और है मतलब या या तो कंसेंट ले लो या आप स्पेशल पास करवा लो उस वाले क्लास से तो ले ले, तो सर मिल तो सेवेंटी फाइव परसेंट वालों का अप्रूवल रहा है एसआर में भी तो 75% वालों का ही है राइट सो यू कैन गेट अलूशन पास सेपरेट मीटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास दैट मतलब क्या जिनका वेरी करने वाले हो ठीक है सर फर्दर कंडीशन यह होनी चाहिए कि अगर आपका जो प्रोविजन है विथ रिस्पेक्ट टू सच वेरिएशन इफ इट इज कंटेंट इन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में ये बात लिखी होनी चाहिए और अगर नहीं लिखी तो भी चलेगा लेकिन फिर एक इंश्योर करना पड़ेगा कि ये वेरिएशन शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर ऑफ दैट क्लास तो अगर आपका मेमोरेंडम आर्टिकल साइलेंट है और फिर आपको चेक करना है कि क्या उसके टर्म्स ऑफ इश्यू में ऐसा तो नहीं लिखा गया कि इनके राइट वेरी नहीं करे जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी राइट right? तो ये कब चेक करना है जब आपका मेमोरेंडम या आर्टिकल साइलेंट है ये कब चेक नहीं करना जब आपके मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा गया है कि हम वेरिएशन कर सकते हैं क्लियर अपार्ट फ्रॉम दैट अब देखो अब ना बाकी के शेयर होल्डर का क्या आप एक क्लास का कुछ वेरिएशन कर रहे हो बाकी के शेयर होल्डर का क्या जो बाकी के क्लास है क्या उनका भी कंसेंट चाहिए चाहिए हो सकता है देखो कंसेंट ऑफ अदर क्लास

शेयर होल्डर शल ऑल्सो बी ऑप्टेन ऑल्सो मतलब इनका भी अप्रूवल चाहिए प्लस जिनका वेरिएशन वेरिएशन का इंपैक्ट जिस क्लास पे हो रहा है उस क्लास के ऊपर भी यह वाला सेक्शन लग जाएगा क्यों क्योंकि एट द एंड वेरियशन का इंपैक्ट आ गया ना तो उनपे भी आपको सेक्शन नंबर फोर्टी एट लगाना पड़ेगा क्लियर है बातें तो आपको यह देखना है आपको ये नहीं मतलब इसकी टेंशन मत लेना कि सर हमें कैसे समझ आएगा कि कोई वेरिएशन का इंपैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आपको पेपर में दिया जाएगा ठीक है सर अब आ जाओ सर सेक्शन नंबर टू मैटर ऑफ दिस वेरिएशन ऑफ राइट्स कैन गो टू द ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी सर ये बहुत गुस्से में है शेयर होल्डर मैंने कहा भाई क्या हो गया कह रहा है वी वी डू डू नॉट नॉट कंसेंट कंसेंट मैंने कहा रुक जाओ सबर करो देखो तो सही कि, क्या आप ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए एलिजिबल हो क्योंकि मिनिमम टेन परसेंट का डिसेंडिंग चाहिए होता है तो देखो होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन टेन परसेंट मतलब मोर देन इक्वल टू टेन परसेंट ऑफ इशूड शेयर क्लास डू नॉट कंसेंट टू सच वेरिएशन और वोट इन फेवर ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इन दोनों में से आपको एक चीज चाहिए थी तो जो भी करी उसके अंदर मतलब मना कर रहे वोट नहीं कर रहे कंसेंट नहीं कर रहे तो देव अ राइट टू गो टू द ट्रिब्यूनल और उसके बाद जो भी ट्रिब्यूनल डिसीजन देगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन कंपनी एज वेल एज द शेयर होल्डर फिर उसका डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा क्या ये बात आपको क्लियर है यस सर एंड दिस वेरिएशन शल नॉट है ट्रिब्यूनल हैल्डर खुद ही जाएंगे अरे इनकी तरफ से कोई बंदा जाएगा ना अब सपोज दस परसेंट बंद रहा है हंड्रेड शेयर होल्डर सो हंड्रेड शेयर होल्डर्स नहीं जाएंगे इन राइटिंग विल ऑथराइज समन उनकी तरफ से एक लॉयर अपॉइंट होगा और वो आगे जाएंगे सर एप्लीकेशन कब तक फाइल करनी है वो जो रेजोल्यूशन पास हो रहा है ना

करी जाएगी एंड दे विल ऑथराइज इन राइटिंग भैया तू चले जागे सारे के सारे नहीं जाएंगे ठीक है हाँ सर तो सारे सारे के सारे के उठ नहीं जाएंगे ठीक है सर अब सपोज यहां पे ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है तो ये आपको आर के पास भी फाइल करना पड़ता है विद इन थर्टी डेज अगर ट्रिब्यूनल के पास गई नहीं तो ये वाला सबसेक्शन लगेगा नहीं अगर गए तो जो भी ऑर्डर आएगा विद इन थर्टी डेज के पास फाइल कर यूनिफॉर्म बेसिस सर मतलब एक क्लास के अंदर मेरे पास दस शेयर है तो दस के ऊपर मैं कॉल सेम करूंगा ऐसा नहीं एक को ज्यादा मंगवा दिया एक को कम बोल दिया ऐसा नहीं चलेगा ये बोलता है सेक्शन नंबर फोर्टी वेयर एनी कॉल्स फॉर फर्दर शेयर कैपिटल जैसे टेन में से टू पेड अप है तो वन रुपी का अगर मैं कॉल कर रहा हूं तो वो कॉल करने के लिए ऑन द शेयर ठीक है तो सबके ऊपर आप एक ही कॉल करना कि भैया सारे के सारे एक रुपया दो ऐसा नहीं तू एक दे दे तू दो दे दे तू तीन दे दे अरे ऐसे थोड़ी ना होता है सेम क्लास वाले है। अब सर इन्होंने ने एक एक्सप्लेनेशन दी है ये एक्सप्लेनेशन का सिंपल मतलब समझ लो मैंने इस नोट के अंदर दिया है कि सपोज देर इज अ शेयर ऑफ रुपीज टेन ऑन विच रुपीज सिक्स इज पेड अप एंड इफ देर इज अनादर शेयर ऑफ रुपीज टेन नॉमिनल वैल्यू ऑन विच रुपीज एट इज पेड अप डू दिस बोथ शेयर फॉर्म विल फॉल इन द सेम क्लास आंसर इज नो दिस इज नॉट अ सेम क्लास यही उन्होंने क्लैरिफाई किया है तो इसके ऊपर मैं अलग कॉल कर सकता हूं इसके ऊपर मैं अलग कॉल कर सकता हूं ठीक है सर सेक्शन नंबर फिफ्टी सेक्शन नंबर फिफ्टी कंपनी टू एक्सेप्ट अनपेड शेयर कैपिटल ऑल दो नॉट कॉल्ड अप मैंने नहीं बुलाया तू आके मुझे देके जा रहा है तो ये कॉल्स इन एडवांस है ये लेने के लिए के लिए कंपनी अंडर आर्टिकल्स का होना जरूरी है अगर नहीं है तो सेक्शन फोर्टीन से एस पास कराओ और आर्टिकल्स को अमेंड कराओ ठीक है सो कंपनी कैन एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस प्रोवाइडेड इट इज ऑथोराइज बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी ठीक है यस yes. तो देखो अ कंपनी में इफ्स ऑथोराइज इट मे एक्सेप्ट फ्रॉम एनी मेंबर

आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे हमने थोड़ी ना बुलाया पैसा तुम दे के जा रहे हो हम थोड़ी ना वोटिंग राइट right देंगे उसके ऊपर ठीक है सर सर वो दुखी हो गया बट कोई बात नहीं right नहीं वोटिंग राइट उसको मिलेगा डिविडेंड मिल सकता है क्या आपको समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है देखो दस रुपए का शेयर है सपोज रुपी सिक्स अप है अब चार अभी भी पेंडिंग है ठीक है एंड ये पर्सन आके चार में से तीन रुपए दे जाता है तो तीन के ऊपर क्या उसको वोटिंग राइट right मिलेगा आंसर इज नो सर तीन के बदले में मतलब अब उसने टेन में से फोर प्लस मतलब सिक्स प्लस थ्री नाइन का पेमेंट कर दिया ना तो अब क्या उसको डिविडेंट जो है वो नाइन के हिसाब से मिलेगा आंसर इज यस yes. डिविडेंड एक्स्ट्रा मिल जाएगा पॉसिबल है उसके बारे में अभी पढ़ा रहा हूं सेक्शन नंबर फिफ्टी वन तो देखो अ कंपनी में इफ सो ऑथराइज बाय द आर्टिकल्स पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप इन्होंने बोला है पेड अप तो इसके अंदर कॉल्स इन एडवांस भी इंक्लूड करे जाएंगे

ये तीन बातें इसमें से निकल के आती है वो मैंने नोट के अंदर दे दिए सेक्शन नंबर 52 एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स सर प्रीमियम मतलब अरे ₹10 का शेयर सपोज मैं 12 में निकलता हूं तो वो जो ₹2 का एक्स्ट्रा मिला ना दैट इज माय प्रीमियम मुझे एक्स्ट्रा मिला ओके okay? सो so, इसका एक आपको अकाउंट बनाना पड़ता है सब सेक्शन के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट सर ये प्रीमियम कैसा मिला कैश में भी मिल सकता है अदरवाइज भी मिल सकता है मतलब फॉर्म ऑफ प्रीमियम इज इेलिवेंट जो भी आया उसका एक सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बना देना ठीक है और एक बात समझना रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन नंबर 66 पढ़ाने वाला हूं मैं आपको वो सेक्शन नंबर सिक्सटी जो जब हम लगाते हैं फॉर दैट परपज दिस सिक्योरिटीज प्रीमियम इज कंसिडर्ड एज कैपिटल it is considered as capital, so the provisions of reduction of share capital shall accept as provided in this section, means unless some exceptions are provided shall apply as if the securities premium is my paid up share capital, so for the purpose of section 66 premium is share capital, premium is the securities premium is share capital. ओके okay, सर आ जाओ आगे सेक्शन नंबर 52 सब सेक्शन टू एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट मतलब ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आप किन किन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है आप सारे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते पहला यू कैन इशू अन इशूड शेयर ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेडअप बोनस शेयर मतलब आप बोनस इशू कर रहे हो तो जो बोनस इशू किया जाएगा ना वो फुल्ली पेडअप होगा मतलब ऐसा नहीं कि उसके अंदर फिर से कोई अमाउंट आपने कमी पेडअप करवाया और फिर बाद में दोबारा पैसा ले रहे हो ना वो जो बोनस की तरह इशू कर रहा है वो आपको फुल्ली पेडअप बोनस शेयर की तरह ही निकालना है नेक्स्ट राइटिंग ऑफ ऑफ द कंपनी इन कॉर्पोरेशन के टाइम कुछ एक्सपेंसिस होंगे राइटिंग ऑफ द एक्सपेंस और कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन शेयर और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी तो इशू के टाइम जो डिस्काउंट है या कोई खर्चा है वो राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो प्रीमियम ऑन रिडेमशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एनी डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी तो रीपे करते वक्त क्या रीपे करते वक्त से उनका प्रीमियम, उनका प्रीमियम जो आपको रीपे करना है वो प्रीमियम कैन बी से प्रीमियम अकाउंट क्लियर एंड इट कैन बी यूज फॉर बाय बैक एज पर सेक्शन सिक्सटी एट अब कुछ प्रिस्क्राइब कंपनीज होती है कुछ प्रिस्क्राइब कंपनीज होती है प्रोवाइडेड दंप्लाय विदिंग स्टैंडर्स एज पर सेक्शन वन थर्टी थ्री उनके लिए हमने बोला कि उनको सर प्रिस्क्राइब कौन सी है आपको नहीं पढ़ना बस ऐसे लर्न करना है कि कुछ प्रिस्क्राइब होती है उनको अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना है इट कैन बी ओनली फॉर थ्री पर्पजेस जिसमें से पहले वाले में हल्का सा फर्क है देखो इन पेइंग अप अनइश्यूड इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इश्यूड टू members ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर तो ये पेइंग आपको वर्ड यूज करना है और उसके साथ ये जो बी और सी है ये एग्जैक्टली exactly सेम है तो इसमें जो आपके पांच पर्पज थे वो पांच पर्पज यहां पे नहीं आ रहे यहां पे सिर्फ तीन पर्पज आ रहे हैं बट ये की का ध्यान देंगे अप अनलेस यहां पे क्या दिया है टू द इशू ओके तो ये छोटी छोटी बातें सर इसमें प्रिस्क्राइब कौन है ये आपको नहीं लर्न करना आपको नहीं पढ़ना मैं एक्स्ट्रा भी नहीं जाऊंगा मटेरियल के साथ से ही स्टिक करूंगा। प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, सेक्शन नंबर 53 क्लियरली मना करता है कि आप शेयर्स डिस्काउंट पे कर ही नहीं सकते एक्सेप्ट डायरेक्ट मतलब में. है? So, 54, लेकिन अगर कंपनी ने फिर भी इशू कर दिया तो इट विलू अब सबसे बताओ दिस इज एन एक्सेप्शन

सो वेन इट्स डेट इज कन्वर्टेड इन टू शेयर एज पर द दूटरी रेजोल्यूशन प्लान और डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम एज पर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है ना जिसके अंदर डेट का कन्वर्जन शेयर में हो रहा है वो कोई हवा में नहीं हो रहा है एज पर लॉ हो रहा है ठीक है नाउ सब सेक्शन थ्री इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगर आपने सेक्शन फिफ्टी थ्री का डिफॉल्ट किया तो आपके ऊपर कुछ पेनल्टीज लग जाएंगी मैं आपको एक बात बताऊँ हाँ सर बताओ पेनल्टी और फाइन में भी फर्क होता है आप गलती से भी पेनल्टी की जगह फाइन वर्ड मत यूज कर लेना ठीक है सर क्या फर्क होता है ये आपको किसी और क्लास में समझाया जाएगा बट गलती से भी फाइन की जगह पेनल्टी मत यूज करना पेनल्टी की जगह फाइन मत यूज करना भारी गलती हो जाएगी जीरो नंबर मिलेंगे ठीक है सर तो ये वाला तो आपको लर्न करना है इसके अंदर तो सीधा सीधा अमाउंट है इसमें तो और कुछ है नहीं कि ऑफिसर के ऊपर आप पेनल्टी लगा रहे हो विच में एक्सटेंड अप टू तो द अमाउंट रेज थ्रू सच इशू सच मतलब एट डिस्काउंट जो कि आपको मना किया था और रुपीज फाइव लैक विच एवर इज लेस तो एक एक लिमिट लगा रहे एक सीलिंग लगा रहे हैं ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपने पैसा जो आपने पैसा लिया है थ्रू इशू ऑफ एट डिस्काउंट वो आपको रिफंड करना है विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट पर रहना और ये इंटरेस्ट कब से लगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच शेयर सच मतलब जो आपने डिस्काउंट में निकाले ठीक है आ जाओ सर ये जो अभी ऊपर हमने रेस्ट्रिक्शन पढ़ी फिफ्टी टू और फिफ्टी थ्री की दीज अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू शेयर नॉट विद रिस्पेक्ट टू डेट सिक्योरिटीज ऑब्वियसली बात है शेयर में डेट कैसे हम इंक्लूड करेंगे इतना तो हमें भी पता है आ जाओ सर सेक्शन नंबर 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स सर स्वेट इक्विटी मतलब पसीना बहाना कौन बहाता है आपके लिए पसीना सेक्शन टू में ऑलरेडी कर चुके हो स्वेट इक्विटी शेयर टू क्लॉज एटी एट में

जो आप या डायरेक्टर को अपने जो जिसको भी दे रहे हो क्या ये बात आपको क्लियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेड में जो है ओके okay? क्या क्या कंडीशन है सबसे पहले आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा उस रिजोल्यूशन के लिए जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दोगे उस रिजोल्यूशन में बाकी सारी डिटेल्स जो है आपको वो देनी पड़ेंगे क्यों निकाल रहा हूं किसको निकाल रहा हूं क्या टर्म्स के अंदर निकाल रहा हूं क्लॉज नंबर सी ओमिटेड है डी वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी कौन से इक्विटी शेयर जो आपने ऑलरेडी इशू कर रखे है इफ दे आर लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज देन दिस पर्टिकुलर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर नीड्स टू कंप्लाई विद सेबी रेगुलेशन एंड अगर वो लिस्टेड नहीं है तो आपको रूल नंबर एट कंप्लाई करवाना है और रूल नंबर एट क्या है आ जाओ जनरल मतलब पहले तो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय मींस परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया दो बातों का ध्यान रखे यहां पर टेम्पररी एम्प्लॉयज को इंक्लूड नहीं कर रहे और यहां पर आउटसाइड एम्प्लॉयज को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दट इट कैन बी एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर होल टाइम डायरेक्टर और नॉट मतलब पार्ट टाइम डायरेक्टर भी चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही इज नॉट अल टाइम डायरेक्टर बट उसको भी आप स्वेट इक्विटी दे सकते हो बहा तो वो भी रहा है आपके लिए पसीना सर ठीक है सर एन एम्प्लॉय और अ डायरेक्टर एज डिफाइंड इन सब क्लॉज ए और बी ऑफ अब्सिडियर विच कैन बी इन इंडिया और आउट इंडिया और इवन अ होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी तो सब्सिडियरी और होल्डिंग के भी एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स हमने कवर कर लिए ठीक सर एसोसिएट ना 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 एसोसिएट के कवर नहीं किए सिर्फ सब्सिडियरी और होल्डिंग के कवर किए मतलब फादर एंड बेटे के फादर मतलब होल्डिंग बेटा मतलब ठीक है आओ सर एक जनरल मतलब समझाए वैल्यू एडिशन का क्योंकि आपके एम्प्लॉयज आपके लिए वैल्यू एडिशन करते हैं तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है वैल्यू एडिशन मीन्स एक्चुअल और एंटीसिपेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव और टू बी डिराइव बाय द कंपनी फ्रॉम एन एक्सपर्ट प्रोफेशनल फॉर प्रोवाइडिंग नोहाउ मतलब वो आपके लिए कुछ नोहा प्रोवाइड कर रहा है कोई नॉलेज नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है और मेकिंग अवेलेबल द राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बाय सच पर्सन जिसको आप स्वेट इक्विटी इश्यू कर रहे हो फॉर विच द कंसिडरेशन इज नॉट पेड आप उसको अलग से कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो या फिर इट इज इंक्लूडेड इन द रेमरे पेबल इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ एम्प्लॉई तो डायरेक्टर है जैसे तो उसके केस में आप कोई रेम्यूनेशन तो दे नहीं रहोगे तो वो जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो जो आपको पैसा जो आपको नोहा वगैरह प्रोवाइड कर रहा है उसको आप क्या दोगे स्वेट इक्विटी दोगे राइट ओके okay, so. आप जो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने वाले हो उसकी वैलिडिटी है मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन तो रेजोलूशन महीने के अंदर अंडर स्वेट इक्विटी निकाल देना क्योंकि महीने के बाद वो स्पेशल रेजोल्यूशन बासी हो जाएगा लिमिट ऑन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर द कंपनी शेल नॉट देखो बेसिकली हम रेस्ट्रिक कर रहे हैं कि स्वेट इक्विटी बहुत ज्यादा ना निकल जाए सो कंपनी शेल नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर फॉर मोर देनिफ्टीन परसेंट ऑफ द एक्सिस्टिंग पेड ऑफ इक्विटी शेयर इन अयर तो एक साल में वो जो आपने ऑलरेडी इशूड है ना आपका ऑलरेडी इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड है जिस क्लास का आप एक स्वेट इक्विटी निकाल रहे हो तो उस पर्टिकुलर ऑलरेडी इश्यूड एग्जिस्टिंग पेड इक्विटी का पंद्रह परसेंट और फाइव करोड़ वैल्यू ऑफ स्वेट इक्विटी विच एवर इज हायर ज हायर तो आपका अगर पंद्रह परसेंट आठ करोड़ निकल रहा है तो आप आठ करोड़ एट करोड़ तक निकाल लो हमें कोई इशू नहीं है लेकिन अगर आपका एक करोड़ ही निकल रहा है पंद्रह परसेंट तो आपको हम पांच करोड़ तक वैल्यूएशन दे देंगे मतलब पांच करोड़ तक आप निकाल लो स्वेट इक्विटी ठीक है सर एक ओवरऑल लिमिट लगा दी एट एनी टाइम दी शेयर शुड नॉट एक्सीड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पेड अपक्विटी सर ध्यान से बात सुनेंगे यहाँ पे मैंने एग्जिस्टिंग वर्ड नहीं यूज करा छोटी छोटी बातें इंटरप्रिटेशन का खेल है एमसीक्यूज आपको पकड़ पकड़ के गलतियां करवाई जा सकती है ठीक है यहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने एग्जिस्टिंग वर्ड यूज नहीं करा क्योंकि तो एग्जिस्टिंग के रिस्पेक्ट में जो लिमिट थी वो मैंने ऑलरेडी यहां पे कवर कर लिया है तो ये मेरा टोटल पेड अप इक्विटी का मैक्स टू मैक्स 25 फाइव परसेंट स्वेट इक्विटी का हो सकता है तो आपको दोनों कंडीशन का कंप्लाई करना है बहुत ही प्यारा इंटीग्रेटेड एमसीक्यू या ऐसा कुछ बढ़िया सा इसके अंदर बन सकता है ठीक है सर अब एक डाउट आ रहा है एक स्टार्टअप हमने सुना है कि ये स्टार्ट बहुत बड़ी बन और बहुत अच्छा पैसा बनेगा. तो उस केस में हम स्वेट इक्विटी 25 परसेंट रोकेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा कम है तो स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए कंपनी ने कहा ठीक है आपके लिए लिमिट डबल कर देते हैं आप टोटल का फिफ्टी परसेंट तक स्वेट इक्विटी निकाल लो लेकिन ऐसा दस साल तक चलेगा साहब दस साल के बाद आप पच्चीस परसेंट पे ले आना ठीक है इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर नॉट एक्सीडिंग फिफ्टी परसेंट ऑफ इट्स पेड़ अप कैपिटल अप टू टेन ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इन और रजिस्ट्रेशन तो स्टार्टअप के दस साल के एग्जिस्टेंस तक

ट पर्सन में बी गिविंग तो वो नॉन कैश कंसिडरेशन का आपको पहले तो वैल्युएशन कराना है फ्रॉम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में यह बात करता है सबरूल नाइन आओ सो वेयर सच इश्यूज ऑन द बेिस ऑफ अ वैल्युएशन रिपोर्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा मतलब आपको उसका वैल्युएशन कराना पड़ेगा थ्रू अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड ट्रीटमेंट क्या करनी है बुक्स में देखो वेयर द नॉन कैश कंसिडरेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ अ दिशिएबल और एमोरटाइजेबल एक्साम्पल बिल्डिंग तो उसको आप लेके जाओगे बैलेंस शीट में एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेकिन सर अगर कोई और है जैसे इनटेंजिबल अट्रिशिएबल असेट नहीं है तो उस केस में आप उसको एक्सपेंस आउट करोगे मतलब पीएनएल डेबिट मारते जाओगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आपको पेपर में दिया जाएगा कि नॉन कैश कंसिडरेशन बिल्डिंग है या कोई है क्या है तो आपको उसके हिसाब से या तो बैलेंस शीट में लेके जाना है या तो पीएनएल में डेबिट मार के उसको राइट ऑफ कर देना है, okay? है। SH3 used, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है दिस फॉर्म एंड दिस रजिस्टर इज द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स का कोई रैंक अलग नहीं है इन इक्वल इन इक्वलेंस अदर इक्विटी शेयर होल्डर ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर सर मोटा मोटा प्रेफरेंस शेयर के टाइप बता दो क्या क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड डिस कैन भी क्यूमलेटिविवि नॉन क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेट्री नॉन पार्टिसिपेट्री क्यूमुलेटिव मतलब सर जब उनका डिविडेंड नहीं पे होता ना लेट से इस साल उसका फाइव लैख का डिविडें था वो पे नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर आपको फाइव लाख तो पे करना है प्लस पहले साल का भी आपको फाइव लाख पे करना है तो टोटल टेन लाख पे करना है एंड दैट इज दैट इज द क्यूमुलेटिव केस नॉन क्यूमुलेटिव मतलब इस साल पे नहीं हुआ तो भूल जाओ अगले साल प्रॉफिट आएगा तो अगले साल का दे देंगे पुराना हुआ उसको भूल जाओ रात गई बात गई क्लियर

एंड रिडीमेबल के अंदर भी मैक्सिमम टाइम होता है ट्वेंटी इयर्स। एक्सेप्शन है इसका एक जो कि है थर्टी ईयर्स का एक एक्सेप्शन जो मैं अभी आपको नीचे कराऊंगा ठीक है रुको जरा पानी पीने दो आ जाओ शू एंड रिडेमशन ऑफ प्रेफरेंस इन रिडिमेबल प्रेफरेंशेस आर नॉट अलाउड एब्सलूटली नॉट अलाउड रिडिमेबल प्रेफरेंशेस आर अलाउड प्रोवाइडेड योर आर्टिकल्स ऑथोराइजेड और मैक्सिमम पीरियड होता है ट्वेंटी ईयर्स ठीक है रूल नंबर इन सबसे पहले आपको आर्टिकल्स का तो ऑथराइजेशन चाहिए चाहिए लेकिन आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन का भी ऑथराइजेशन चाहिए जो आपको जनरल मीटिंग में पास करवाना है अपार्ट फ्रॉम दैट देर शुड बी नो सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑफ रिस्पेक्टेमशन इशूड बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और विद रिस्पेक्ट टू प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंट अरे पहले प्रेफरेंस तेरा पुराना डिविडेंट ड्यू दिव है और पुराना रिडेमशन ड्यू है तो उसका डिफॉल्ट तो ठीक कर जिस दिन डिफॉल्ट ठीक कर देगा सबसिस्टिंग वर्ड यूज कर रहा हूं जिस दिन डिफॉल्ट ठीक कर देगा उस दिन नया इशू कर दियो कोई दिक्कत नहीं है और इसका भी आपको रजिस्टर मेंटेन करना है अंडर सेक्शन नंबर 88 क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी तो एक मेंबर है तो एक रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 88 में वो आपको मेंटेन करना है सर एक एक्सेप्शन एक पढ़ेंगे कि मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन जो है मतलब मैक्सिमम जो उसकी लाइफ हो सकती है दैट इज 20 इयर्स बट एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर हम आपको अप टू 30 इयर्स का अलाउंस दे देंगे इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सो वेयर द इशू इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उसके अंदर एक और कंडीशन है कि आपका जो टेन परसेंट का रिडेम्शन है वो शुरू हो जाना चाहिए 21st, 21st तो पहले हो तो और अच्छी बात है बट आप टेन परसेंट का रिडेमशन स्टार्ट करो एंड इन दैट केस जो है हम आपको थर्टी ईयर तक का टाइम पीरियड दे देंगे तीस साल की लाइफ हो सकती है ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ओके

वो पैसा यूज करूंगा मैं इस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए क्लियर लेकिन जब आप प्रॉफिट यूज कर रहे हो ना तो उस केस में आपको एक अकाउंट ट्रांसफर एक अकाउंट बनाना पड़ता है दैट इज माई सी आर आर अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व सर कब बोल रहा हूं मैं वेन यू आर यूजिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ओके सो कंडीशन पहले देख लो कंडीशन फॉर रिडेम्शन क्या है नो सच शेयर बी रिडीम अनलेस दे आर फुल्ली पेड अरे भाई सपोज दस रुपए का प्रेफरेंस शेयर है दस रुपए का प्रेफरेंस शेयर में से तूने आठ ही पेड अप कराया तो तू दस थोड़ी ना वापस कर देगा दो का एक्स्ट्रा थोड़ी ना उसको प्रॉफिट दे देगा पहले दस उसको पूरा फुल्ली पेड करा एंड देन यू कैन रिडीम ओके व्हेन द रिडेम्पशन इज आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अ सम इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट

और सर सी आर आर अकाउंटन का तो सौ का अगर मैं एक सौ बीस रिटर्न कर रहा हूं प्रीमियम ऑन रिडेमशन है तो मुझे सीआरआर कितने का बनाना है तो हंड्रेड तो का, का क्योंकि मेरा नॉमिनल वैल्यू हंड्रेड का है प्रीमियम को मुझे इग्नोर करना है ठीक है हाँ सर जैसा हमने पढ़ा था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज माय डीम्ड कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्शन सेम टू सेम बात यहां पे लग जाएगी विद रिस्पेक्ट टू सीआरआर अब सर जो ये प्रीमियम आपको पे करना है अगर आपका रिडेमशन के अंदर कोई प्रीमियम है तो उसके लिए भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा सर प्रीमियम मतलब अरे जैसे सौ रुपए का रिडेम्शन है अगर सौ रुपए का रिडेमशन है तो मैं एक सौ बीस वापस कर रहा हूं तो ये जो आप एक्स्ट्रा ट्वेंटी वापस कर रहे हो इसके लिए भी तो आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ना हाँ सर ओके तो आओ इन केस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज सर प्रिस्क्राइब कौन सी है आपको लर्न नहीं करना इन केस ऑफ प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज एंड उस कंपनी के उस पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ दे विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 133 थर्टी इज यूज फॉर प्रिस्क्राइबिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इनके लिए जो भी आप प्रीमियम पे करने वाले हो ऑन रिडेमशन दैट शेल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी और आपको प्रोवाइड कब करना है सर प्रोवाइड मतलब अरे उसको प्रोवाइड करना मतलब एंट्री पास करके रखना वो पैसा अलग करके रखना उसका प्रोविजो बना के रखना रखना सिंपल सी बात अकाउंट्स में प्रोविजो प्रोविजो बना बना के के तो आप उसका बना के रखो और यूज कौन सा करना है पैसा प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और ये प्रोवाइड कब करना है बिफोर द शेयर आर रिडीम सर आपने एक बॉक्स दिया ये किस चीज के लिए दिस इज ट्रांजिशनल प्रोविजन ये मतलब अगर अगर मेरा कोई प्रेफरेंस शेयर्स जो है

रिडेमशन उसको कहा से प्रोवाइड करेंगे उसके लिए आपको दो सोर्सेस मिल जाएंगे ऊपर वाले में एक ही सोर्स था प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी यहां पे आपको दो मिलेंगे प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी और द कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो आपने ऊपर सेक्शन 52 में पढ़ा राइट right? और इसमें भी प्रोवाइड कब करना है बिफोर द शेयर्स आर रिडीम्ड ठीक है सर सब सेक्शन थ्री में क्या हो रहा है कि मैं अभी ना रिडेमशन जो मेरा ऑफ रिडेमशन ड्यू था बट मैं पैसे नहीं दे पा रहा आई एम नॉट एबल टू रिडीम और मे बी इफ आई एम नॉट एबल टू रीपे द डिविडेंट रीपे की जगह पे वर्ड यूज एम नॉट एबल टू रीपे द प्रेफरेंस शेयर और पे द डिविडेंट तो इसको बोलते हैं बोलतेम प्रेफरेंस शेयर तो ये ये पैसे वापस करने के लिए और डिविडेंट पे करने के लिए क्या मैं नए प्रेफरेंस इश्यू कर सकता हूं आंसर इज़ सकते हो आओ

आप उनसे एक तो कंसेंट लो एंड सेकेंड आप ट्रिब्यूनल से भी एक अप्रूवल लो आप पिटिशन फाइल करो इन दिस बिहाफ विच बिहाफ की ट्रिब्यूनल सर ट्रिब्यूनल सर कैन आई इशू न्यू प्रेफरेंस प्रेफरेंसर फॉर द पर्पज ऑफ रिडेमशन ऑफ द अर्लियर और फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड फिर ट्रिब्यूनल आपको यस कहेगा अगर ये उसने अलाउ किया देन यू कैन गो फॉर इश्यू ऑफ फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस इक्वल टू व्हाट इक्वल टू वट एवर अमाउंट इज ड्यू इक्वल टू व्हाट एवर अमाउंट इज ड्यू जो आपको यहां पे पे करनी है ठीक है इंक्लूडिंग द डिविडेंड मतलब सौ रुपए का रिडम्शन बाकी है बीस रुपए का डिविडेंड बाकी है सौ तो बीस का आप नया फर्दर इशू कर लो क्लियर आगे अब इफेक्ट क्या होगा इस इशू का कि हम रिडीम्ड हम जो ये इन रिडीम अनरिडीम्ड है उसको रिडीम मान लेंगे माई अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर शल बी डीम्ड टू बी रिडीमड अब यह बंदा बहुत गुस्से में है अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला मैंने कहा आई डो नॉट कंसेंट टू द इशू ऑफ फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मुझे तो मेरा पैसा वापस ही चाहिए मैं कंसेंट नहीं दे रहा क्योंकि ऊपर भी आपने थ्री फोर्थ वालों से कंसेंट ली है तो मैं तो इसके अंदर कंसेंट नहीं दे रहा मैंने कहा ठीक है टेंशन मतलब तो यू विल बी पेड बैक तो ट्रिब्यूनल विल ऑर्डर रिडेमशन फोर्थ विध ऑफ प्रेफरेंसर्स ऑफ दोस डोंट कंसेंट टू सच इशू मेजोरिटी तो हाँ कर देंगे एक दो तो हर केस में निकलेंगे वो कहेंगे हमें तो नहीं चाहिए ये नए प्रेफरेंस है उसको पैसा वापस कर देंगे नए वाले को हम इशू कर देंगे और ये जो डीम रिडीम वगैरह हो रहा है ना इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी ठीक है ओके okay. सीआरआर अकाउंट का आप यूज कर सकते हो फॉर इशुंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर नेक्स्ट सेक्शन फिफ्टी सिक्स ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी सर ट्रांसफर क्या होता है ट्रांसमिशन क्या होता है अरे ट्रांसफर होता है वॉलेंट्री ट्रांसफर ट्रांसमिशन होता है बाय लॉ जैसे फादर की डेथ होगी तो बेटे के पास शेयर आ गए दैट इज ट्रांसमिशन बट मैंने अपने दोस्त को आज हम दोनों जिंदा है तो मैं अगर, अगर अपने दोस्त को जो है वो शेयर ट्रांसफर करूं दैट इज अ ट्रांसफर दैट इज नॉट अ ट्रांसमिशन तो कंडीशन क्या क्या देखो अ कंपनी शेल रजिस्टर अ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज दंपनी वेन द कंपनी है शेयर कैपिटल और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो इट विल इट विजिस्टर इन इंटरेस्ट ऑफ अ में लेकिन कैसे ट्रांसफर और ट्रांसफरी दोनों में से किसी एक को बोला जाएगा कि प्लीज एनी वन ऑफ देम यू हैव टू डिलीवर अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एलॉन्ग विदर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज विद इन सिक्सटी डेज ऑफ एक्जीक्यूशन मतलब आपने जब भी ये डील एंटर करी है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर उसके विद इन सिक्सटी डेज आपको वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर साइन शेयर ट्रांसफर का जो भी आपने यू नो एग्जीक्यूशन किया होगा अलॉन्ग शेयर सर्टिफिकेट आपको कंपनी को सबमिट करना है लेकिन सर अगर सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज हमारे पास नहीं है खो गया कुछ भी हो गया एग्जिस्टेंस में नहीं है तो क्या करें आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट लगा के दे देना इन वट फॉर्म ये सारा जो आपको देना है ये ये प्रॉपर ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है वो डिफाइन करा गया है इन फॉर्म नंबर एस इन फॉर्म नंबर एस एच फोर होना चाहिए इट शुड बी ड्यूली स्टैम्ब इट शुड बी ड्यूली डेटेड इट शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफर एंड ट्रांसफर मतलब वो नीचे साइन करेंगे प्रॉपर एग्जीक्यूट करेंगे स्पेसिफाइंग उनके नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन इफ एनी ऑफ द ट्रांसफरी तो ट्रांसफरी के हमें डिटेल्स चाहिए कि उसका नाम क्या है उसका एड्रेस क्या है और उसका ऑक्यूपेशन क्या है सर ट्रांसफरर का नहीं चाहिए अरे ट्रांसफरर का तो ऑलरेडी होगा ना क्योंकि उसके पास तो शेयर है उसके पास तो तो सिक्योरिटी है आप ट्रांसफर डिटेल्स इसके अंदर दो कि उसका नाम क्या क्या एड्रेस और कोई काम धंधा करता है ठीक तो है डिपोजिटरी in वाला प्रोसीजर नहीं लगता अरे आज के केस में रिलायंस के शेयर मैं ट्रांसफर करता हूं थ्रू जीरो थ्रू एनी एनी स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म तो हमें थोड़ी ना ये प्रोसीजर करना है हमारा तो डिपॉजिट भी करता है सारा काम तो उसके केस में यह वाला नहीं लगेगा यह कब लगेगा जब फिजिकल शेयर होल्ड किए जा रहे हैं ओके नेक्स्ट वट इफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज लॉ और हैज नॉट बीन डिलीवर्ड विद इन द प्रिस्क्राइड पीरियड ऑफ सिक्स डेज क्या अब रजिस्ट्रेशन हो सकती है या नहीं हो सकती क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जो ये आया है नहीं है अभी भी, अभी भी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है बट आपको एक इंडेम्निफिकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा बोर्ड बोलेगा कि कल को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप जो है मुझे इंडेम्निफाई करोगे मेरा जो भी खर्चा है मेरा लॉस होगा वो आप मुझे पे करोगे ठीक है नाउ देर आर टू एक्सेप्शन फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी आ जाओ पढ़ लेते हैं

लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड तो जब बॉन्ड ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की जरूरत नहीं है आप सिर्फ एक दे, दे देना कौन देगा Transferी देगा ट्रांसफर कि उसका नाम क्या है क्या है है उसका एड्रेस क्या क्या कुछ वो आप कंपनी को दे देना अलॉन्ग द सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट नहीं है तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट चल जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की जरूरत नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट दिस नॉट अप्लाई टू अ गवर्नमेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय नॉमिनीज ऑफ गवर्नमेंट अरे नॉमिनी ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर कर रहा है तो वो थोड़ी ना ये सब करें

पावर ऑफ कंपनी टू रजिस्टर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज नॉट एफेड बाई में तो ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसमिशन सबसेक्शन टू में हो रहा है सर कैसे होता है ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ उस केस में इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की जरूरत नहीं होती उस केस में सिर्फ एक इंटीमेशन चाहिए होती है कि भैया लॉ के हिसाब से मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं चुपचाप मेरे को अपने बुक्स के अंदर ट्रांसफर की तरह एंटर कर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर लॉ की वजह से ट्रांसमिशन हो रहा है एम आई क्लियर और नॉट ठीक है

क्यों क्योंकि इस केस में अभी भी अमाउंट ड्यू है एंड दैट इज द केस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टली पेड अप शेयर सेपरेटली इन सबसेक्शन थ्री वरना तो 1 में कवर हो जाता तो सबसेक्शन वन में हम किसकी बात कर रहे हैं सर फुल्ली पेड अप शेयर्स की बात कर रहे हैं है. वैसे तो सिक्योरिटीज है पूरी बट इसमें से स्पेसिफिकली शेयर के लिए मैं बात करूंगा जब तो मैं फुल्ली पेड अप की बात करूंगा ठीक है आगे हो जी आगे हो अब इस केस में क्या होगा ट्रांसफर एक एप्लीकेशन फाइल करेगा कि मेरे को ये शेयर्स ट्रांसफर करने जो मेरे पार्टली अप शेयर है कंपनी ये एप्लीकेशन की नोटिस ट्रांसफरी को दे देगी क्योंकि एप्लीकेशन में बताया जाएगा कि ट्रांसफरी कौन है तो कंपनी उसको एक फॉरवर्ड कर देगी इन द प्रिस्क्राइब मैनर कैसे इन फॉर्म नंबर एस एच फाइव फॉर्म नंबर जो है ट्रांसफर किया जाएगा और ट्रांसफरी को विदिन टू वीक्स एनओसी देना है नो ऑब्जेक्शन देना है अगर यह वो नो ऑब्जेक्शन विद इन टू वीक्स दे देता है तो ही इस केस में रजिस्टर किया जाएगा आपका ट्रांसफर अदरवाइज आपका ट्रांसफर रजिस्टर नहीं किया जाएगा ट्रांसफर ही हमारा होल्डर रहेगा ओके टाइम पीरियड सब सेक्शन 4 टाइम पीरियड फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट एवरी कंपनी शैल अनलेस अदरवाइज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ और एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट ट्रिब्यूनल और एनी अथॉरिटी डिलीवर द सर्टिफिकेट ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज अलॉटेड ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड सिंपल सी बात सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी अलग-अलग केस में बताया कि कब तक इशू करनी है अनलेस यू आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ तो इन केस ऑफ सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम मतलब जब कंपनी बनती है तो विद इन टू मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको सर्टिफिकेट इशू करना है इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एनी ऑफ इट शेयर्स बाय द कंपनी विद इन टू मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट जिस दिन अलॉट हुआ विद इन टू मंथ शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देना है इन केस ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज आपको विद इन वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीड बाय द कंपनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन आपको इशू कर देना है सर सेकंड और थर्ड में क्या फर्क है यहां पे मैं सिर्फ शेयर्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं बैलेंस सिक्योरिटीज का ट्रांसफर और इनफैक्ट यहां की भी बात कर रहा हूं मैं सिर्फ बात कर रहा हूं डिबेंचर की तो ये देखो बोल दिया यहां पे सिक्योरिटीज बट अब इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर तो एक स्पेसिफिक बात कर रहा हूं डिबेंचर की तो विदिन सिक्स मंथ अलॉटमेंट आपको सर्टिफिकेट इशू कर देना है क्लियर वेयर द सिक्योरिटीज आर डेल्ट विद डिपॉजिटरी जैसे एन एस डी एल या सी डी एस एल इन दैट केस कंपनी टू द डिपॉजिटरी ऑन अलॉटमेंट तो उस केस में ऐसे टाइम नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऑनलाइन काम हो रहा है एक महीना दो महीना नहीं जैसी अलॉटमेंट हो जाएगा किसको डिपॉजिटरी को तो इमीजिएटली इमीजिएटली उसको ये इंटीमेशन दे देनी है है ठीक डिपॉजिटरी का कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर है वरना मैं एक ऑडियो नोट डालने वाला हूं टेलीग्राम पे उससे आपको पूरा एक वर्किंग क्लियर हो जाएगी क्लियर आगे आ जाओ स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी एंड स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी इन दोनों के लिए हमने बोला आप ये वन मंथ टू मंथ का चक्कर छोड़ दो आपकी सारी की सारी सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में आपको विद इन सिक्सटी डेज सर्टिफिकेट डिलीवर करनी है आप ये मत देखो डिवेंचर है स्टॉक है क्या है आप सारी की सारी सिक्योरिटीज के के केस में विद इन सिक्सटी डेज विद इन सिक्सटी डेज जो भी हो रहा है आपका इन अलॉटमेंट ट्रांसमिशन विद इन सिक्सटी डेज आप इशू कर देना सब सेक्शन फाइव इन केस ऑफ अ डिसीज पर्सन अब स्पेसिफिक केस है डेथ का तो द ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट सर इंटरेस्ट क्यों बोल रहे हैं अरे अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो क्या होगा इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा ना तो इफ देर इज अ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ अ डिसीज पर्सन इन अ कंपनी मेड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव देन इट शेल बी वैलिड एज इफ ही हैड बीन द होल्डर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एंड इवन इफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट अ होल्डर क्या बोला कि भैया अगर कोई सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ट्रांसफर है किसका डिसीज पर्सन का और ट्रांसफर कौन कर रहा है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो हम एक्चुअल में होल्डर नहीं है चलेगा मान लेंगे मान लेंगे एज एफ हियर बिन द होल्डर एंड इवन इफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज एक्चुअली नॉट अ होल्डर वो नहीं है चलेगा उसको मान लेंगे और ट्रांसफर करवा देंगे क्योंकि सर सिंपथेटिक व्यू लिया है ओरिजिनल होल्डर की डेथ हो चुकी है ठीक है एक फोर्ज ट्रांसफर के ऊपर आपको एक नोट दिया गया है ऑन पेज नंबर फोर पॉइंट टू एट फोर्ज ट्रांसफर मतलब गलत गलत साइन करके ट्रांसफर कर दिया तो इट इज वॉइड एब इनिशियो तो सपोज आपने गलत ट्रांसफर करके मुझे दिया और मैंने गुड फेथ में खरीदा स्टिल कंपनी उसको रिवर्स कर देगी और कम, जिसने ओरिजिनल गलती करी ना उससे पैसा जो है वो रिकवर किया जाएगा इंडेम्फाई करवाया जाएगा तो जस्ट बिकॉज मैं गुड फेथ में लेता हूं इसका मतलब ये नहीं कि आई कैन होल्ड द सिक्योरिटीज इफ द ओरिजिनल ट्रांसफर इज पोर्ड देन इन दैट केस रिकवरी करी जाएगी और जो है ओरिजिनल होल्डर को ही बुक्स में दोबारा एज अ होल्डर रिकॉर्ड किया जाएगा इसके ऊपर आप हल्का सा एक बार जो है रीडिंग ले सकते हैं बहुत ही क्लियर हो जाएगा इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है अदर देन वॉट ऑलरेडी टोल्ड नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर फिफ्टी चलो सर आगे बढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 58 दैट डील्स रिफ्यूजल 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 ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट सर किस चीज का अरे रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन किसका कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन याद है ना शेयर की ओनरशिप दो तरीके से ट्रांसफर होती है एक तो आप एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड करते हो या फिर ट्रांसमिशन दैट थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ ओके लेट स्टार्ट सब सेक्शन वन अब इसके अंदर ना अपने को दो तरीके से पढ़ना है दो रूप से पढ़ना है एक प्राइवेट कंपनी के लिए और एक पब्लिक कंपनी के लिए सर ऐसा क्यों अरे

सोर्स सोर्स ऑफ रिफ्यूजल क्या है आर्टिकल्स की वजह से या किसी और रीजन की वजह से फर्क नहीं पड़ता रिफ्यूजल हो चुका है किस चीज का टू ट्रांसफर और टू टू रजिस्टर द ट्रांसफर और टू रजिस्टर द ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज

पब्लिक कंपनी की सिक्योरिटीज जो होती है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है इसके बीच में ध्यान रखना कि एनी कॉन्ट्रैक्ट और और अरेंजमेंट बिटवीन टू मोर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफ ट्रांसफर सिक्योरिटीज शल बी एनफोर्सिएबल एज अ कॉन्ट्रैक्ट तो जैसा एक कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनफोर्स किया जाता है ये वाला भी आपका जो भी ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही एनफोर्स किया जाएगा क्यों बिकॉज पब्लिक कंपनी के सिक्योरिटीज फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है ठीक है तो उसको थोड़ा सा हमने दर्जा दिया कि भैया कॉन्ट्रैक्ट इसको माना जाएगा ठीक है कहा जाएगा ट्रिब्यूनल के पास जाएगा सो दिस इज मोर इन कंटेक्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी सबसेक्शन फोर दैट डील्स विद अपील इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी तो पहले पढ़ते हैं नॉर्मल दैट इज प्राइवेट कंपनी अब ट्रांसफरी बहुत गुस्सा हो गया पहले तो ध्यान से देखेंगे अपील कौन फाइल कर कर सकता है? ट्रांसफरी, ट्रांसफर नहीं ट्रांसफरी जिसके पास शेयर या सिक्योरिटी जाने वाली थी नाउ ही में रिफ्यूजल टू द ट्रिमिनल विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफ नोटिस सर कौन सी नोटिस है अरे नोटिस ऑफ रिफ्यूजल बाय द कंपनी ठीक है सर लेकिन अगर कंपनी ने वो थर्टी डेज में ये वाली नोटिस ही नहीं भेजी तो उस केस में ही कैन गो इन दैट केस आल्सो ही कैन गो एंड फाइल एन अपील बट द टाइम पीरियड विल बी सिक्सटी डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन वाज डिलीवर्ड टू द कंपनी तो वो वेट करेगा सिक्सटी डेज का क्योंकि थर्टी और थर्ट का आप इजीली लर्न कर सकते हो थर्टी डेज का टाइम दे रहे हैं कंपनी को रिस्पॉन्ड करने का और अगर कंपनी ने नहीं किया तो एडिशनल थर्टी डेज सो दैट विल बिकम सिक्सटी डेज फ्रॉम द डेट इट वॉज डिलीवर्ड टू द कंपनी की तू कंपनी को जब डिलीवर किया उसके सात

रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी विदिन पीरियड थर्टी डेज फ्रॉम ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन एज द केस मेंब्लिक थी रजिस्टर कर लेना चाहिए था लेकिन वो नहीं किया तो अब ट्रांसफरी यहां पर नहीं है ट्रांसफरी है and and कितने में? लेकिन सर अगर कोई उसने दिया ही नहीं मतलब कंपनी ने रिफ्यूजल की नोटिस ही नहीं दी तो उसके डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे 60 डेज नहीं है यहाँ पे 90 डेज है पब्लिक कंपनी के केस में आपको सबसेक्शन फोर लगाना है गलती मत करना क्लियर है बातें हाँ सर अब सर अपील गई इधर अंडर सबसेक्शन थ्री और सबसेक्शन फोर तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा ट्रिब्यूनल आफ्टर हियरिंग द पार्टीज या तो डिसमिस कर देगा अपील या तो बाय ऑर्डर बोल देगा कि भैया इस केस में आप जो है वो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन करिए एंड द कंपनी हैज टू कंप्लाई कंपनी के पास अब ऑप्शन नहीं है ना करने का ट्रिब्यूनल को कंप्लाय करना पड़ेगा विद द ट्रिब्यूनल ऑर्डर विद इन टेन डेज रिसीट ऑफ ये कौन सा ऑर्डर है एनसीएलटी का मतलब ट्रिब्यूनल तो या तो ट्रिब्यूनल बोले तो बोलेगी छोड़। सीधा को रेक्टिफाय कर ट्रांसफर बट ट्रिब्यूनल किसी पार्टी का नुकसान हो गया कोई डैमेज हो गया क्योंकि तू ने यह गलत काम किया और उसको अपील में आना पड़ा अब उसको डैमेजेस भी पे करेगा जो भी ट्रिब्यूनल करेगा तो ए और बी में से डिपेंडिंग अपॉन द

नी डिफॉल्ट और अननेसेसरी डिले इन एंटरिंग डिफॉल्ट किया डीले किया किस सेंस में डिले किया अरे मेरा नाम डालो या मेरा नाम हटाओ तुम अननेसेसरी डिले कर रहे हो अरे रजिस्टर ऑफ में पड़ते आपको पता है बात रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो है इसके बारे में सेक्शन एटी एट में भी बताऊंगा दिस नीड्स टू बी केप्ट अप टू डेट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि कंपनी के रजिस्टर में मेंबर कौन कौन है उनकी अलग अलग लाइबिलिटीज फिक्स होती है उनसे पैसा मंगवाना पड़ता है तो अप टू डेट रखो भाई ये क्या रेक्टिफिकेशन के लिए आना पड़ रहा है हमें ये क्या डिफॉल्ट कर रहे हो आप ठीक है सर ठीक है तो वो गलतियां ठीक कर दी जाएंगी सर अपील कौन फाइल कर सकता है या तो पर्सन एग्रीव मतलब जिसका कंपनी जरूरी नहीं है, ये है. कोई भी कह सकता है कि रजिस्टर ठीक नहीं कर रही कंपनी ओके okay. और कंपनी इट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू वो जाएंगे आगे अपील फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर इन सच फॉर्म एज बी प्रिस्क्राइब नीचे आएगा और ये अपील किसके पास लेके जाएंगे सर, के पास. अगर है या फॉरन डिबेंचर होल्डर है तो किसके आउट

कर देगा या बोलेगा कि भैया सही कह रहे हैं ये फटाफट से ट्रांसफर इन टेन डेज या फिर रिकॉर्ड है, मतलब है, है वो गलत है उसको रेक्टिफाई करो और, उस केस में वो और कर सकता है जस्ट लाइक वी स्टडीड इन सेक्शन डैमेजेस पे करो टू एग्रीड पार्टी ठीक है तो रेक्टिफिकेशन भी ऑर्डर किया जा सकता है डैमेजेस के साथ ओके सब सेक्शन थ्री सर ये रेक्टिफिकेशन चल रहा है इसके बीच में अगर किसी होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज का मन है ट्रांसफर करने का तो वो कर सकता है या रुकेगा नहीं 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 रुकेगा नहीं ट्रांसफर वाला राइट उसको अभी भी मिलेगा सो ट्रांसफर राइट टू ट्रांसफर एंड ट्रांसफरीज वोटिंग राइट आर अनफेक्टेड बाय दिस सेक्शन सो द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शल नॉट रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज राइट ऑफ वॉट ट्रांसफर सिक्योरिटीज और ट्रांसफर कर रहा है rights, उसके पास आएगी yes आएगी. तो तो चलता लेकिन इसके ऊपर कोई वोटिंग राइट right नहीं मिलेगा अभी किसी कोस तो में नहीं मिलेगा गा लेकिन इन जनरल मिलेगा ठीक है सर अगर कोई सेबी एक्ट एस एक्ट

यूज करना ठीक है अपील मत यूज करना वर्ड ओके सर क्या इतना फर्क पड़ता है देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फर्क पड़ता है वेन्यू से अपील एंड वेन्यू से एप्लीकेशन दोनों में नेचर में डिफरेंस आ जाता है प्रोसीजरली काफी डिफरेंस आ जाता है ओके okay? तो आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है ट्रिब्यूनल को और आप क्या इसके अंदर अप्लाई करोगे कि सर एक ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी हुई है जो कि गलत है किस सेंस में गलत है इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट और सेबी एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स तो सीधा सीधा बोलो ना इंडियन लॉ का नॉन कंप्लायंस हुआ है ठीक है सर ठीक है तो फिर इस केस में ट्रिब्यूनल जैसा चाहे ऑर्डर कर सकता है इट मे इधर डायरेक्ट द कंपनी टू द सेटरशन एंड रेक्टिफाइड रजिस्टर और कंसर्न रिकॉर्ड तो बोल देगा कि भैया इसको जरा ठीक कर दो कॉन्ट्रवेंशन को और रजिस्टर को जो है वो रेक्टिफाई कर दो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल को हमें लिंक करना है बहुत प्यारे तरीके से सेक्शन सेक्शन नंबर नंबर 66 66 के साथ क्योंकि में भी काइंड ऑफ ऑल्ट्रेशन हो रही है बट एक प्रकार की हो रही है दैट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल तो रिडक्शन को छोड़ के अगर मैं कुछ बोलू तो रिडक्शन को छोड़ के जो बातें वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेक्शन नंबर सिक्सटी में सिक्सटी में मोटा मोटा पांच बातें आने वाली है और उसमें से छोड़ के भी आपके दिमाग में डाउट आ सकता 66 में आता है।, क्या, ये क्लियर हो रही है आप लोगों को अच्छा कभी कब ये मत समझना है ना डाउट्स पूछते है भी, सर वर मत लिखो भैया लिख दो कोई दिक्कत नहीं है आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो मैं आपके भाई की तरह पढ़ा रहा हूं आपको ठीक है दो मिनट भैया को जरा पानी पीने दो बात बताऊ सच आप ये वाले रिविजन लेक्चर्स भी देख लोगे ना ये रिविजन है ही नहीं पता है मेरे से क्या होता है मेरे revision में ना मैं बातें छुड़वा नहीं सकता मैं आप देखोगे तो ये रिविजन लेक्चर आप दो बार देख लो और क्वेश्चन बैंक कोई भी सोल्व कर लो आप बिना क्लास आगे जा सकते हो पेपर में और आपके सिक्सटी ऊपर आ सकते हैं इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ ऑनेस्टली अगर देखोगे तो ऐसे नहीं फिर जल्दबाजी में ये नाम के लिए रिवीजन है क्योंकि क्लास में मैं इससे ज्यादा भी टाइम लेता हूँ एक एक वर्ड पे एनालिसिस कराता हूँ एक एक क्वेश्चन उसके साथ लिंक करता हूँ बट अभी बस समझ लो कि रिविजन भी आपके लिए बहुत है अगर इफ इफ सम स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली कैनॉट एफोर्ड द क्लासेस किसी की भी तो आप ये वाले रिवीजन लेक्चर से भी काम करवा सकते हो इंश्योर करना कि आप में से जैसे किसी को जानते हो कि नहीं भैया वो नहीं ले पा रहा है क्लास उसका बेनिफिट हो जाए दैट इज द मेन रीजन आई एम पुटिंग आउट दिज रिवीजन लेक्चर्स ठीक है और टेलीग्राम चैनल पे एमसीक्यू सॉल्व कर लेना चलो सर आगे आ जाओ सेक्शन 66 पावर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टर इट शेयर कैपिटल अ कंपनी विच इज लिमिटेड सर प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड ही तो ये काम करेगी अनलिमिटेड कंपनी की ज्यादा बात यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे ओके सो अ लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल

क्लियर सो ऐसा होता है कंपनीज में प्रोविजो इट इफ इट लीड्स टू चेंज इन वोटिंग परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर इट शुड बी अप्रूव्ड बाय ट्रिब्यूनल मतलब आप पांच पांच को करके जब दस दस में डिवाइड कर रहे हो कॉन्सोलिडेट करके डिवाइड कर रहे हो इन लार्जर अमाउंट उसमें अगर किसी शेयर होल्डर की वोटिंग राइट चेंज हो रही है तो भैया एक बार ट्रिब्यूनल से पूछ लेना क्योंकि इसका इंपैक्ट वोटिंग राइट्स पे आ रहा है तो किसी का घट रहा है किसी का बढ़ रहा है दैट इज नॉट राइट एक बार ट्रिब्यूनल से प्लीज आप पूछ लो आप एक एप्लीकेशन बनाओ इन द प्रिस्क्राइड मैनर रूल्स बताते हैं और आप उनसे एक बार अप्रूवल ले लो कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुल

ठीक है तो ये अनसब्सक्राइब वाला है सो दिस नॉट मीन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल उसके बारे में 66 में हम अपन चर्चा करेंगे ठीक है सर सेक्शन नंबर 64 पे आओ नोटिस टू टू बी गिवन द रजिस्ट्रार फॉर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल अरे यार शेयर कैपिटल अल्टर कर रहे हो एक बात बताओ आप आरओसी को नहीं बताओगे क्या हां सर बिल्कुल बताएंगे कब तक बताएंगे विद इन 30 डेज इन फॉर्म नंबर एस रीड करते हैं आ जाओ कंपनी हैज टू गिव अ नोटिस ऑफ ऑल्टरेशन इंक्रीज रिडेशन वॉट एवर इट इज प्लस ऑल्टर मेमोरेंडम क्यों सर इसका इंपैक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे भी आएगा तो आपका मेमोरेंडम चेंज हो जाएगा जैसे शेयर कैपिटल चेंज किया इंक्रीज किया जो भी किया एक ऑल्टर मेमोरेंडम की कॉपी लगा देना एस एच सेवन के साथ और वो आप आरओसी को भेज देना विद इन थर्टी डेज ऑफ ऑल्टरेशन इंक्रीज और रिडेम्शन इन फॉर्म नंबर एस एच सेवन तो सर चार सर्कमस्टांस पढ़ लेते हैं बेसिकली इन विच यू आर रिक्वायर्ड टू तो फाइल फॉर्म एस एच सेवन पहला सर अभी अभी ऊपर पढ़ा ना सेक्शन सिक्सटी वन सेक्शन वन चार पांच केस पढ़े जिसके अंदर शेयर कैपिटल ऑल्टर हो रहा है एंड देन यू हैव टू गो फॉर दिस फाइलिंग ऑफ फॉर्म नंबर एस एच सेवन ओके देन एन ऑर्डर इज पास बाय द गवर्नमेंट इंक्रीजिंग द दाइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इन पर्सन ऑफ सब सेक्शन फोर रेड विद सब सेक्शन ऑफ सबसे टू सर सेक्शन सिक्सटी टू ये आने वाला है जिसके अंदर हिंट दे देता हूं आपको कि डेट जो है वो कन्वर्ट होने वाला है शेयर में उसकी वजह से ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज होने वाला है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर ऑर्डर दे रहा है तो उस केस में भी आपको एस एस सेवन फाइल करना पड़ता है बिकॉज आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज होने वाला है या फिर कंपनी रिडीम्स कंपनी रिडीम्स एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो भी आपको ये एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है एस एस सेवन में एंड जिस कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है इफ इट इंक्रीजेस इट्स नंबर ऑफ मेंबर्स सर क्योंकि शेयर कैपिटल नहीं है बट मेंबर्स तो है ना जो गारंटी वगैरह कुछ लेके बैठे हैं तो वो अगर नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो भी आपको फॉर्म नंबर एस एच सेवन फाइल करना है सो दीज आर द फोर दर्कमस्टांस विच रिक्वायर दिस काइंड ऑफ अ फाइलिंग फोर सरकम आपको ध्यान रखनी है आ जाओ सर आ जाओ फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल सर फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल मतलब अरे आज कंपनी का शेयर कैपिटल है बट पैसा और चाहिए तो फर्दर इशू निकाल लेते हैं इसमें तीन क्लॉज आने वाले क्लॉज नंबर ए क्लॉज नंबर बी क्लॉज नंबर सी क्लॉज नंबर ए आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर क्लॉज नंबर बी आएगा विद रिस्पेक्ट टू ईसॉप और क्लॉज नंबर सी आएगा अदर पर्सन लेट स्टार्ट फर्दर इश्यूफ शेयर कैपिटल विल बिन टू फॉर्म्स राइट इशू एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट राइट इशू मतलब क्या आप एक्जिस्टिंग वाले को एक राइट right देते हो कि भाई तेरे पास ऑलरेडी हमारे शेयर है तुझे और चाहिए क्या तो ये ले ले सो दिस इज अ राइट गिवन

इनको किस राइट right में आप इसको किस प्रोपोर्शन में राइट दोगे इन द सेम प्रोपोर्शन इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर आर ऑलरेडी होल्डिंग दैट दे आर आर ऑलरेडी होल्डिंग तो टू द हु होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर इन द प्रोपोर्शन एज नियरली एज सरकम एडमिट इसको अलग कर, कलर से करने की कोशिश करेंगे एज नियरली एज सरकम एडमिट टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑन दो शेयर तो उनका करंट कितना होल्डिंग है उस प्रोपोर्शन में उनको राइट दो ठीक हंड्रेड परसेंट नहीं हो पाया उस प्रोपोर्शन में तो चलेगा क्योंकि एज नियरलीस एडमिट तो करना, का ठीक है ऑफर ऑफ दोगे आप एक लेटर ऑफ ऑफर उसको सेंड करोगे उसके अंदर दो तीन बातें हमें पढ़नी है तो आप उसको लेटर ऑफ ऑफर जरूर सेंड करना ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेटर ऑफ ऑफर और उसके क्या बातें आएंगी द ऑफर शैल बाय नोटिस द नंबर ऑफ शेयर ऑफर की भाई तेरे को

Not exceeding थर्टी डेज आप थर्टी डेज से ज्यादा नहीं दे सकते आई एफ एस सी स्पेसिफाइड आई एफ एस सी पब्लिक कंपनी के में एक मॉडिफिकेशन है, है देख लो नॉट विध स्टैंडिंग मतलब इग्नोरिंग एनीथिंग रिटर्न इन दिस पर्टिकुलर क्लॉज वन दीरियड लेसरियडी परसेंट ऑफ मेंसेंट ऑफ कि आप पंद्रह से तीस दिन वाला समय छोड़ दो आप छह दिन दो तो चलेगा अपने को कोई दिक्कत नहीं है पंद्रह से तीस से कम टाइम पीरियड भी हम दे सकते हैं ठीक है सिमिलर सिमिलर एक्जेमशन गोज फॉर अ प्राइवेट कंपनी बट प्राइवेट कंपनी के केस में एक और सेक्शन में एक्जेमशन है दैट इज सेक्शन नंबर सिक्सटी टू सबसेक्शन टू जो मैं आपको यहां पे अभी नीचे पढ़ाने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम लिमिट ये रा

फोन फ्रेंड क्या कि भाई राम सुन ना मेरे को इन्होंने राइट दिया है, खरीदने का मुझे नहीं चाहिए तुझे स्टेटमेंट प्रोवाइड अदरवाइज मतलब अगर आर्टिकल साइलेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आर्टिकल्स में लिखा गया है कि रिन राइट right नहीं दिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज नंबर ए सिक्स वन तो उस में रिनाशन राइट right आप नहीं दे सकते क्लियर सो so, आ जाओ अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड द ऑफर एफोर सेल बी डीम्ड टू इंक्लूड अ राइट एक्सेबल बाय द पर्सन कंसर्न कंसर्न मतलब जिसको ऑफर दिया जिसको ऑफर दिया क्या ऑफर है उसके पास क्या राइट है उसके पास टू रिनाउंस ऑल और एनी मतलब सौ में से सारे शेयर भी ना दू तब भी चलेगा पर रिनाउंसिएशन राइट है मेरे पास ऑफ द शेयर्स व्हिच आर ऑफर्ड टू हिम इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन उसके मर्जी का एंड द नोटिस अंडर सबक्स वन शेड कंटीन स्टेटमेंट ऑफ दिस राइट तो आपको आर्टिकल्स का पहले देखना पड़ेगा कि कई आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहे रेनाउंसिएशन ओके डिस्पोजल ऑफ द ऑफर्ड शेयर सर हमने ना शेयर जो है वो सौ ऑफर किए थे नाइनटी ले लिए दस शेयर का क्या करे अरे दस शेयर को डिस्पोज ऑफ कर दो कौन डिस्पोज ऑफ करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे करेगा इस तरीके से कि इट इज नॉट डिसएडवांटेजेस टू आ जाओ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिस्पोज ऑफ देम इन सच मैनर विच इज नॉट डिसएडवांटेजेस टू द द शेयर होल्डर्स एंड कंपनी कब करेगा जब वो टाइम पीरियड खत्म हो गया या फिर उससे पहले किसी ने इंटीमेट कर दिया कि नहीं चाहिए मुझे डिक्लाइन करता हूं एक्सेप्ट मुझे नहीं चाहिए वाला ऑफर तो पता चल गया कि ये शेयर जो है वो कोई लेने नहीं वाला और जो हमने ऑफर किए थे अंडर सेक्शन सिक्सटी टू सबसेक्शन वन क्लॉज नंबर ए तो उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है क्लियर आ जाओ नेक्स्ट क्लॉज नंबर बी आप दे रहे हो ईसॉप e आप दे रहे हो एंप्लॉइज को ईसॉप e सो नाउ यू आर गिविंग दिस शेयर दिस इज अ फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल टू एम्प्लॉज अंडर अ स्कीम ऑफ ईसॉप सब्जेक्ट टू स्पेशल रेजोल्यूशन एंड सर्टन प्रिस्क्राइबीब कंडीशन कंडीशन इज रूल नंबर ट्वेल्व बट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी से बी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन टू थाउजेंड फोर्टीन आर टू बी रेफर्ड तो ये आपको लर्न करने है रेगुलेशन के नाम इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इन जनरल रूल नंबर ट्वेल्व करना है तो मेन कंडीशन क्या है ई सॉप के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन ठीक है सर प्राइवेट कंपनी एंड अ स्पेसिफाइड आई एस सी पब्लिक कंपनी के में एसआर की जरूरत नहीं है OR से काम चल जाएगा ओके एंड सी कम्स विद रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन इस केस में आपको सेक्शन फोर्टी जो प्राइवेट प्लेसमेंट हम पढ़ते हैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं वो भी आपको कंप्लाई करना पड़ेगा अभी अदर पर्सन मतलब कौन एनी पर्सन अदर देन मतलब इसमें क्लॉज ए और बी का लिंक नहीं है क्लॉज ए भी हो या ना हो वी आर फोकसिंग नाउ ऑन अदर पर्सन बैलेंस तो अगर आपको क्लॉज सी में अदर को फर्दर इशू शेयर कैपिटल करना है तो आपको स्पेशल चाहिए होगा एंड दे विल पे यू यूर कैश और सम समीडरेशन अदर देन कैश कोई भी चल जाएगा एंड इसमें जो आप प्राइस डिटर्मिनेशन करोगे दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर सर प्राइस डिटर्मिनेशन किस चीज का अरे शेयर का अरे शेयर का जिसके बदले में आप कैश या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश लोगे तो तीन बातें ध्यान रखनी है स्पेशल रिजोल्यूशन याद है मैंने आपको पहले बताया कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर इज डेल्ट विदर सेक्शन टू फोर्टी सेवन ऑफ कंपनी कोर्स का पार्ट नहीं है खुश हो जाओ आपके कोर्स का पार्ट नहीं है ओके okay. नोट दिस इशू इज सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ प्रोस्पेक्टेस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज लास्ट वाला चैप्टर एंड एनी अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब ये बोला रूल नंबर थर्टीन ने लेकिन ये जनरलाइज्ड है ठीक है अब मेन आता है सर रूल नंबर ट्वेल्व आपको कंप्लाई करवाना पड़ता है वेन यू आर गोइंग फॉर इशू टू अदर पर्सन दैट टॉक अबाउट ईसॉप तो ईसॉप बाय अनलिस्टेड कंपनी

सी एन एम्प्लॉई एज डिफाइंड ऑफ अ सब्सिडियरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और अ होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड ये मेरा दूसरा डिफरेंस है अगर मैं मार्क करूं विद रिस्पेक्ट टू स्वेट इक्विटी ये मेरा पहला डिफरेंस है जो एक्स्ट्रा पड़ा और ये मेरा दूसरा है आ जाओ बट डज नॉट इंक्लूड एन एम्प्लॉई इज अ प्रमोटर और अ पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रमोटर ग्रुप और अ डायरेक्टर हु इधर और थ्रू इज रिलेटिव रिलेटिव सेक्शन टू क्लॉस सेवेंटी सेवन प्रिलिमिनरी में खत्म करवा चुका हूं याद है आपको फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन डॉटर बच्चों की शादी सन वाइफ डॉटर्स हस्बैंड एंड बच्चों की जिनसे शादी हुई एंड डॉटर को छोड़ के स्टेप क्या बात बातें आपको याद है 277 ऐसे क्लिक करना चाहिए आपको क्योंकि एक बार उस फ्लो में आ जाओगे ना कि लॉ एकदम पकड़ के रखनी है तो ये सारे डेफिनेशंस आपको भी अच्छे से याद हो जाएंगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है तो मेरी तरह ही आपको लॉ में आपको पढ़ा दूंगा बस ध्यान दो सो सेक्शन नंबर टू क्लॉस सेवेंटी सेवन आप बेसिकली डायरेक्टर इज होल्डिंग डायरेक्टर इज होल्डिंग सर्टेन इक्विटी शेयर्स कितना भी आगे आ गया रहा है बट ये कैसे होल्ड कर रहा है इधर डायरेक्टली और थ्रू हिज रिलेटिव और थ्रू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट तो इट इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होल्डिंग कितनी ही होल्ड मोर देन टेन परसेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी तो एक डायरेक्टर के पास मोर देन टेन परसेंट है उसको आप इस नहीं दे सकते तो हमने उसको भार कर दिया लेकिन इन केस ऑफ अ स्टार्टअप कंपनी इन दोनों को जो भार किया ना वो हमने दोबारा इंक्लूड कर लिया तो काइंड ऑफ एक्जिमशन है कि वी विल नॉट वी विल

जो भी हमारा एम्प्लॉय है इस शॉप के अंदर तो वो प्राइस डिटरमिन करी जाएगी बाय द कंपनी एज पर अकाउंटिंग मिनिमम पीरियड ऑफ वन ईयर बिटवीन ग्रांट ऑफ द ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑफ देम ये आपने अकाउंट्स में भी करा होगा कि सर ग्रांट होता है आज ऑप्शन उसके बाद उसका वेस्टिंग पीरियड होता है कि एक साल के बाद वो एक्सरसाइज किया जा सकता है तो वो मिनिमम वन ईयर रहेगा लेकिन सर ऐसा केस ले लेते हैं जैसे एक कंपनी ए है और एक बी है एक पर्सन ने कंपनी ए के अंडर ये वेस्टिंग पीरियड सिक्स मंथ्स का निकाल लिया है और कंपनी ए बी के साथ मर्ज हो चुकी है या एम हो चुकी है

लॉक इन पीरियड सर स्वेट इक्विटी में तीन साल पढ़ा था हाँ यहाँ के अंदर हम कुछ नहीं बता रहे कंपनीज फ्री टू व्हाट द लॉक इन पीरियड फॉर द इशूड शेयर इज लॉक इन पीरियड पीरियड मतलब उस तक वो जो है उन शेयर्स को सेल ऑफ नहीं कर सकता ठीक है जब तक शेयर्स इशू नहीं होते के पास कोई राइट right नहीं है विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड विद रिस्पेक्ट टू वोटिंग कुछ भी नहीं तो जब तक शेयर्स इशू नहीं होते एक्सरसाइज होने के बाद तब तक इसको कोई राइट right नहीं मिलेगा अदर पॉइंट दीज ऑप्शन आर नॉन ट्रांसफरेबल इज नॉन ट्रांसफरेबल सर अभी तो आपने रिनाउंसिएशन राइट बढ़ाया

तो एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसकी डेथ हो गई है तो सारे के सारे, तो के मतलब के सारे के ऑप्शंस ग्रांटेड टिल भी ऑप्शन जाएंगे किसके पास उसके लीगल हेयर या नॉमिनी के पास ठीक है सर इफ द एम्प्लॉय सफर वाइल इन एम्प्लॉयमेंट अब एम्प्लॉयमेंट था लेट से उसका अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो गया तो परमानेंट इनके अगेन लॉ इसके अंदर थोड़ा सा सिंपथेटिक व्यू ले रहा है ऑप्शनिटेशन शेल वेस्ट इन हिम ऑन दैट डे सर ये जो वर्ड है ना इन दोनों में यूज हुआ है डीओरी में ध्यान से बेटा एकदम ध्यान से वेस्ट वर्ड यूज हुआ है वेस्ट मतलब उसके पास ऑप्शन मिल गए एक होता है ऑप्शन ग्रांट होना एक होता है वेस्ट होना हमने ऊपर भी पढ़ा ना ये पीरियड हमने ऊपर भी ये पढ़ा ना कि ग्रांट और वेस्ट के अंदर मिनिमम वन ईयर है तो ये जो वेस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं ये सिंपथेटिक व्यू ले रहे हैं कि यार डेथ हो गई है तो उस दिन के बाद फिर जिस दिन डेथ हुई उसके लीगल हेयर को आप वो ऑप्शन नहीं फिर उसको वेस्ट करवा दो उसी दिन उनके पास राइट मिल जाएगा टू एक्सरसाइज द ऑप्शन सिमिलरली परमानेंट uh, इनकैपेसिटी में उसी बंदे को मिल जाएगा सर क्यों अरे उसकी डेथ नहीं हुई है बट फिजिकल इनकैपेसिटी है परमानेंट इनकैपेसिटी है तो उसको उसी दिन वेस्ट करा लो सो so, प्लीज बेटा ये जब वेस्ट वर्ड यूज करोगे उसको बहुत ध्यान से यूज करना वरना गलती हो जाएगी पेपर में ग्रांट वर्ड वेस्ट वर्ड दीज आर कंप्लीटली चेंज द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग राइट नेक्स्ट इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो इसके अंदर कोई सिंपति नहीं है तू तो निकाला जा रहा है या तू तो रिजाइन मार रहा है तो जो भी तेरे पास ऑप्शन वेस्ट नहीं हुए थे वो एक्सपायर हो जाएंगे और जो वेस्ट हो गए थे मतलब पीरियड वन ईयर का कंप्लीट हो गया था तो तेरे को मिल जाएंगे ठीक है सो द एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन ग्रांटेड टू हिम विच आर वेस्टेड तो जिनका वो एक साल का पीरियड कंप्लीट हो गया था वेस्ट हो गए तो उसके रिस्पेक्ट में यू कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन बेसिकली वेस्ट होते ही ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओके विद इन द पीरियड एज स्पेसिफाइड इन दिस सब्जेक्ट टू बर्टन टर्म्स कंडीशन अंडर द स्कीम ग्रांटिंग सच ऑप्शन एज बी बोर्ड बोर्ड तो उसके अंदर बताएगा कि रेजिग्नेशन के केस में क्या क्या टर्म्स कंप्लाई करनी है ओके okay. अब ये जो नोटिस है आप जो नोटिस डिस्पैच करोगे ना विद रिस्पेक्ट टू एक्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर मैं क्लॉज नंबर ए की बात कर रहा हूं मैं क्लॉज नंबर ए की बात कर रहा हूं जो ऊपर पड़ा तो वो आप भेजोगे रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड कोरियर या एनी अदर मोड विद बेसिकली इन्वॉल्व प्रूफ ऑफ डिलीवरी तो हमारा मेन फोकस इसके ऊपर है हमारा मेन फोकस है प्रूफ ऑफ डिलीवरी के ऊपर ओके एंड ये आपको कब तक भेजना है एटलीस्ट थ्री डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ इश्यू इसके अंदर एक एक्सेप्शन पॉसिबल है विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट कंपनी जो ऊपर पड़ा प्रोवाइडेड 90 परसेंट ऑफ द मेंबर्स कंसेंट इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या ये बातें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही ठीक है? है सर अभी जो ऊपर हमने कथा पढ़ी क्ट टू फर्दर कैपिटल एंड दैट इज नॉट लिंक टू एनी डेट अब हम बात कर रहे स्पेसिफिक सबसेक्शन थ्री हम ये सेक्शन को बोल देंगे कि अप्लाई नहीं करेगा कब अरे जब एग्जिस्टिंग को कोई डेट है जैसे कोई डिबेंचर है या लोन है और उसके अंदर एक ऑप्शन अटैच है कि ये डिबेंचर या लोन कन्वर्ट किया जा सकता है इन इक्विटी तो उसके अंदर भी कह, कहने को तो एक शेयर कैपिटल इश्यू हो रहा है ना

ठीक है सर जनरल मीटिंग में लिखा है मतलब पोस्टल बैलेट में नहीं चलेगा ये बातें भी याद रखनी है रखनी है सर रखनी है और करेंगे ना हम क्यों नहीं करेंगे चलो अब आते हैं सर सेक्शन नंबर 62 62 सेक्शन 4 में सर सेक्ष... 62, सब 4 में हो क्या रहा है कन्वर्ट हो रहा है लोन या फिर अपना कोई डिबेंचर वो तो सर सबसेक्शन 3 में भी हो रहा है लेकिन यहां पे किससे लिया है लोन किससे लिया है डिबेंचर किसको इशू किया है गवर्नमेंट को सर गवर्नमेंट मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है एनी गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट तो आओ अब इसमें दो प्राइमरी कंडीशन क्या है वेयर द डिबेंचर्स हैव बीन इश्यूड और लोन हैज बीन ऑप्टेंड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट बाय अ कंपनी एंड इफ दैट गवर्नमेंट कंसिडर्स कन्वर्जन नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू अब गवर्नमेंट को लगता है भैया पब्लिक इंटरेस्ट में कन्वर्जन जरूरी है तो वो एक ऑर्डर पास कर देगा कि इसके अंदर कन्वर्जन करो टर्म्स कंडीशंस हम बताएंगे किस में करना है राइट सो इट मे डायरेक्ट दैट सच डिवेंचर और लोन और एनी पार्ट दे ऑफ जरूरी नहीं है पूरा का पूरा हो कोई पार्ट भी हो सकता है शेल बी कन्वर्टेड इंटू शेयर इन द कंपनी ऑन सर्टन टर्म्स कंडीशन एज में रीजनेबल टू दैट गवर्नमेंट तो बहुत वाइड पावर दे दिया गवर्नमेंट को और सर इसके अंदर ऊपर आपने बोला था कि इनकी टर्म्स इनकी टर्म्स आपको स्पेशल रेजोल्यूशन से अप्रूव करानी है और उसके जो इशू टर्म्स है उसके अंदर ये ऑप्शन होना चाहिए ये सब बातें इसमें नहीं है तो इवन इवन इफ इफ द द टर्म्स ऑफ इशू डू नॉट इंक्लूड अ टर्म फॉर प्रोवाइडिंग एन ऑप्शन फॉर सच कन्वर्जन आपके टर्म्स में लिखा हो ना लिखा हो गवर्नमेंट का मन कर गया इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा अब सर कंपनी दुखी हो रही है मैंने कहा कंपनी क्या हुआ बेटा कंपनी कह रही है सर आई एम अनहैप्पी विद द टर्म्स एंड कंडीशन आई कैनोट बी पॉइंट टू बी नोटेड बाई लॉर्ड कंपनी कैनॉट बी अनहैप्पी विद द कन्वर्जन बेटा ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बहुत तगड़ा बहुत तगड़ा क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है कंपनी कैनॉट बी अनहैप्पी इफ कंपनी इज अनहैपी विथ कन्वर्जन तो वो अपील नहीं फाइल कर सकती वो अपील नहीं फाइल कर सकती वो उसके अगेंस्ट उसके पास कोई प्रोविजन नहीं है लेकिन अगर उस कन्वर्जन के टर्म्स कंडीशन से कोई इशू है तो हम यहां पे अपील अलाउ कर रहे हैं टू द ट्रिब्यूनल ठीक है तो अपील क्या है कि सर टर्म्स कंडीशंस ऑफ कन्वर्जन आर नॉट एक्सेप्टेबल ठीक है आप किसके पास जाओगे ट्रिब्यूनल के पास विद इन सिक्सटी डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर सच ऑर्डर मतलब कन्वर्जन ऑर्डर ओके और फिर ट्रिब्यूनल फाइनल ऑर्डर पास करेगा आफ्टर हियरिंग द पार्टी एंड कंपनी एज वेल एज द गवर्नमेंट एंड वट एवर इट मे ट्रिब्यूनल को वो ऑर्डर पास करेगा तो मैं फिर से बता रहा हूं क्वेश्चन आपको लिख के देगा कंपनी विद द कन्वर्जन वेयर कैन इट फाइल एन अपील सब बच्चे लिख आएंगे धड़ाधड़ ट्रिब्यूनल 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 अरे लाला कन्वर्जन के अगेंस्ट अपील पॉसिबल ही नहीं है कन्वर्जन के टर्म्स कंडीशन के अगेंस्ट अपील पॉसिबल है आप ये नहीं बोल सकते कि कन्वर्जन पसंद नहीं आया आप बोलो कन्वर्जन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर लेकिन उसके टर्म्स कंडीशन हमें ठीक नहीं लगे

क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है तो इसमें डीम्ड है कि मेमोरेंडम चेंज हो जाएगा ऑथराइज शेयर कैपिटल बदल जाएगा इशू ऑफ बोनस शेयर सेक्शन नंबर 63 सर बेसिक बोनस शेयर सेक्शन नंबर 63 की जनरल एंट्री एक बार आप समझ लो प्रॉफिट्स डेबिट टू शेयर कैपिटल सो दिस इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हाँ सर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इसीलिए इसको पता है प्यार से क्या बोलते हैं मार्केट में कैपिटलाइजेशन शेयर्स अब आप बड़े बड़े बच्चे हो जाओगे फिर आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो कोई आपसे पूछेगा सीईओ कि सर सुनो ना ऑडिटर साहब पता है ऑडिटर साहब कहते हैं तो आपको भी बड़ा मजा आएगा उस टाइम तो पूछेंगे ऑडिटर साहब ये जो कैपिटलाइजेशन शेयर है उसके प्रोविजन क्या है और आप पूछोगे सर कैपिटलाइजेशन शेयर क्या होता है तो वहां पे तो फिर आपका लॉ टीचर फेल कर गया ना तो ये कैपिटलाइजेशन शेयर कहते हैं इनको क्यों क्योंकि वी आर कैपिटलाइजिंग द प्रोफिट्स इन इशू ऑफ शेयर कैपिटल राइट तो इसके अंदर कुछ कंडीशन है और कुछ ऑथराइजेशन चाहिए होती है आ जाओ आ जाओ जी आ जाओ एक सेकेंड सेक्शन नंबर इशू ऑफ बोनस शेयर मैनर ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर एंड इट सोर्स तो कंपनी को अगर इशू करना है तो सबसे पहले ये बोनस शेयर किसको दिए जा रहे हैं सर मेंबर्स को दिए जा रहे हैं शेयर होल्डर को ही दोगे ओके सर क्या मैं पार्टली पेड अप शेयर बोनस की तरह दे दू ना बाबा ना फुल्ली अप शेयर जाएगा बोनस शेयर की तरह और प्लस उसकी कुछ कंडीशन है और उसके कुछ सोर्स है तो आ जाओ अ कंपनी में इशू भैया जबरदस्ती नहीं कर रहे आप इशू कर सकते हो फुल्ली अप बोनस शेयर पार्टली पेड नॉट अलाउड किसको इशू कर रहे हो मेंबर्स को इशू कर रहे हो इन एनी मैनर आउट ऑफ मतलब सोर्स क्या है आप किसमें से पैसा यूज करोगे फ्री रिजर्व सेक्शन टू प्लस फोर्टी थ्री सिक्योरिटीज प्रीमियम सेक्शन टू पढ़ा कैपिटल रिडेमशन रिजर्व जो आप रिडेमशन uh, के टाइम बनाते हो एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अलाउड बस एक चीज का ध्यान रखना है ऐसे कि आपको रीवैल्यूशन रिजर्व अलाउड नहीं है क्यों अरे रीवल्यूएशन रिजर्व में असली में पैसा नहीं आता बुक की कैलकुलेशन है रीवेल्यू कर रहे हो बुक में कर रहे हो एक्चुअल में पैसा नहीं आया आपके पास ठीक है अब ये छह कंडीशंस मेरे साथ आप लर्न करोगे कि अगर आपको बोनस इश्यू निकालना है तो आपके आर्टिकल्स में उसका ऑथराइजेशन होना चाहिए ठीक है आपका एक बोर्ड रिकमेंडेशन देगा बोर्ड मीटिंग के द्वारा

इज इन तो स्टेप नंबर वन क्या जनरल तो दे दे, तो मीटिंग तो का रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा ठीक है और जनरल मीटिंग में आएगा पोस्टल बैलेट से नहीं आएगा ठीक है सर नेक्स्ट नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ एफडी और डेट सिक्योरिटी आपका पहले तो करो डेट वालों का एफडी वालों का और फिर देना में

ऑन डेट ऑफ अलॉटमेंट मतलब जिनको ये ऑलरेडी एक्जिस्टिंग शेयर है जिनको, जिन के आप बोनस दे रहे हो तो बोनस देने जो बोनस इश्यू हो रहा है दैट इज ऑल्सो फुल्ली पेड तो उसका दस रुपए में से लेट से आठ रुपए पेड है उसको बोलो भाई दो रुपए फटाफट से दे फिर तेरे को बोनस मिलेगा क्लियर

ये जो एंट्री पास कर रहे हो क्या इसके अंदर कोई शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर का कोई फायदा हो रहा है आंसर इज नो क्यों ये प्रॉफिट भी तो किसके हैं शेयर होल्डर के थे और ये शेयर कैपिटल भी क्या है ये उन्हीं को मिला तो नेट टू नेट अगर मैं बात करूं शेयर होल्डर के पास जो खजाना था जो कंपनी का पैसा उसके हाथ में था वो तो सेम ही है बस उसका फॉर्म बदल गया शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया प्रॉफिट कम हो गए प्रॉफिट भी तो एट देन शेयर होल्डर के थे समझ में आ रही है चीज आप लोगों को यस सर दिस वाज आवर सेक्शन नंबर 63 बोनस शेयर्स हमारा खत्म लेट्स मूव टू हेड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन नंबर 63 हमारा हो चुका है बोनस शेयर्स नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सर इसको हमने लिंक किया था ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल से ऑल्ट्रेशन में हमने रिडक्शन वाली बात नहीं करी थी बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली डेल्ट विद अंडर सेक्शन नंबर 66 आ जाओ जी आ जाओ सेक्शन नंबर सिक्सटी सिक्स सबसे वन कंडीशन एंड मैनर ऑफ रिडक्शन सर सबसे पहले समझना दो मेजर कंडीशन इसमें आने वाली है एक यू नीड अ कंफर्मेशन ऑफ ट्रिब्यूनल एंड सेकंड यू रिक्वायर अ स्पेशल रिजोल्यूशन एस चाहिए अपने को अगर अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस करना है

क्योंकि सर मैंने आपको लिंक किया था ना ऑल्ट्रेशन में कि ऑल्ट्रेशन का एक स्पेसिफिक पार्ट है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल तो इन दोनों का एंड रिजल्ट क्या निकलेगा ऑल्ट्रेशन आपका रिडक्शन का भी एंड रिजल्ट क्या है ऑल्ट्रेशन बट ऑल्ट्रेशन सेक्शन में डील क्यों नहीं किया बिकॉज ये स्पेसिफिक सेक्शन है राइट सो फाइनल इंपैक्ट क्या आएगा ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड इट शेयर अकॉर्डिंगली ठीक है सर नाउ अ प्रोविजो मतलब पैसा देना बाकी है. In repayment of deposits accepted, कब? इधर before और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ टू थाउंड नाइट और एनी ऑफ इट्स इंटरेस्ट दे रहा हूं डिपॉजिट्स तो का चैप्टर अभी आपको पढ़ाना है तो वो डिपोजिट या उसका इंटरेस्ट आपने पे नहीं कर रखा है तो लाला पहले वो पे कर कहा शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहा है कहा अपने members की लाइबिलिटी कम कर रहा है राइट

इंड ऑफ अ चांस ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपको कोई इशू है तो हमें बता दो भैया नहीं तो हम इसका कंफर्मेशन दे रहे हैं एंड देन द कंपनी इज गोइंग टू रिड्यूस इट शेयर कैपिटल सर किसको भेजनी है नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट आर ओसी क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स इंपॉर्टेंट क्यों है अरे इनका पैसा ड्यू है भाई इनका पैसा ड्यू है, तो है तो इनसे तो पूछो एंड सेबी इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी अदरवाइज सेबी को देने की जरूरत नहीं है सर इनके पास कितना टाइम है देने के लिए रिप्रेजेंटेशन थ्री मंथ्स और थ्री मंथ्स में नहीं दिया तो वी विल प्रिज्यूम दैट दे हैव नो ऑब्जेक्शन टू बी मेड ओके रिप्रेजेंटेशन चांस दे दिया

अभी मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं ऐसे कंपनी के बारे में जो अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रही है इसीलिए द कंपनी लिखा है अ कंपनी नहीं लिखा है छोटी छोटी बातें हैं इंटरप्रिटेशन का खेल है सर ठीक है सो एवरी डेट एंड एवरी क्लेम ऑफ द डिटर है डिस्चार्ज डिटरमिट सिक्योर और कंसेंट हैजिन ऑप्टेड मतलब या तो तूने उसको पे कर दिया है वो उसको पता है उसका कितना शेयर है या तो उसको अपने सिक्योर कर दिया है या तो उसका कंसेंट ले लिया एंड में मतलब ये इंश्योर किया जा रहा है कि बाद में कोई क्रेडिटर आके कंप्लेन ना करे कि अरे मेरे से पूछा नहीं मेरा तो डेटा अभी तक पे नहीं किया तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का ध्यान रखा जा रहा है उसके बाद ट्रिब्यूनल कंफर्म कर सकती है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सब्जेक्ट टू सर्टन प्रिस्क्राइब कंडीशन जो भी उसका मन होगा वो दे देगी कंडीशन ठीक है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि प्रोविजो आके बताता है प्रोविजो टू आवर सबसे

वो बोलेगा कि भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो भी है ना इस रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के रिस्पेक्ट में वो एकदम सेक्शन 133 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं हम ओके सर ओके

वो है? एक एक शेयर का अमाउंट क्या है अमाउंट इफ एनी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू बी पेडअप डीम टू बी पेडअप आपका शेयर कैपिटल रिड्यू किया ना? तो उसके बाद एक बार प्लीज हमें फाइनल पोजिशन बता दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे फाइनल पोजीशन ऑफ शेयर कैपिटल बता दो कितने शेयर है क्या हिसाब किताब है वो सारा बता दो आप अपने आरओसी भाई साहब को सर आरओसी को कब बताना है जब ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ जाएगा मतलब रिसीट हो जाएगा उसके विद इन थर्टी डेज एंड आरओसी को क्यों देना है ही इज गोइंग टू बातें क्लियर हो रही है हाँ सर एक एक चीज का एनालिसिस करवा रहा हूं ये रिवीजन नाम का है आप इसके बेसिस पे अच्छे से कंसेट बना सकते हो ठीक है ओके नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन टू बायक ऑफ ऑन ओन सिक्योरिटीज सर बाय में भी तो शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है तो उसके लिए मैं सेक्शन 68 एट कम्प्लाई करू या सेक्शन 66 सिक्स करूं आप उसके लिए सिक्सटी एट कम्प्लाई करे सेक्शन सिक्सटी ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरा कोई मतलब नहीं है वहां पर आप सिक्सटी के लिए हमारा सेक्शन नहीं लगेगा ओके नो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स अब ये क्या बोल रहे हैं बहुत बड़ी सी बात बोल दी है लेकिन मीनिंग बहुत सिंपल है

और कॉन्ट्रीब्यूशन एक ही बात है मतलब मैं पैसा नहीं दूंगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर हेल्ड बाई इफ एनी मतलब मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा क्या एक मैं आपको दो अमाउंट बताऊंगा उसमें से आपको डिडक्ट करना है मतलब ए माइनस बी तो ए क्या है अमाउंट पेड ऑन द शेयर और रिड्यूसड अमाउंट इफ एनी विच इज टू बी डीम्ड टू हैव बीन पेड अप एज द केस में इन शॉर्ट आपका पेड अप वैल्यू आपका पेड़ अप वैल्यू और डीम पेड़ अप वैल्यू जैसे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बाद हो सकता है उसने कुछ पेड़ अप में से माइनस कर दिया हो तो मेरा डीम पेड़ अप क्या है से मेरा है है आज मैंने पे कर रखा एंड द अमाउंट ऑफ शेयर एज बाय द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन लेट से दस का आठ का हो चुका है दस का शेयर आठ का हो चुका है तो आठ में से मैंने दो दे दिया तो मैं आपको छह दूंगा और एज सिंपल एज दैट तो मैंने ए माइनस बी बोल दिया था उसको बी माइनस ए समझ लेना क्योंकि ये शेयर की वैल्यू मैंने बी में मानी तो सर पहले भी तो ऐसा ही होता था अरे दस के शेयर में से छह दे दिया कितना बचा चार तो चार रुपए दूंगा मैं आपको और याद है ये लाइबिलिटी कितनी होती है शेयर कैपिटल में अमाउंट अनपेड उतना ही दूंगा मैं आपको तो वही उन्होंने क्लैरिफाई किया बस बिकॉज शेयर कैपिटल रिडक्शन हो रहा है दोबारा क्लैरिफाई कर दिया ठीक है सर 8. आगे बढ़ो in अभी अभी आपने ऊपर बताया कि क्रेडिटर्स का ध्यान रखना है लेकिन सपोज कि किसी क्रेडिटर का नाम ही अपने लिस्ट में नहीं लिया अरे मतलब entitled to object मैं एंटाइटल टू ऑब्जेक्ट था क्योंकि मैं क्रेडिटर हूँ और पैसा ड्यू है मेरे को और मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं लिया आपने कितनी गलत बात है तो अब मेरे को कुछ राइट्स मिलेंगे मेरे को कुछ राइट्स मिलेंगे आप मेरा पैसा भरपाई करोगे मेरा डेट रीपे करोगे आओ कैसे इफ नेम ऑफ एनी क्रेडिटर टू ऑब्जेक्ट टू द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज बाय द रीजन ऑफ हिज इग्नोरेंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स फॉर रिडक्शन और ऑफ देयर नेचर एंड इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज डेट और क्लेम हिज नेम इज नॉट एंटर्ड इन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर मतलब तेरा नाम एंटर क्यों नहीं हुआ या तो तूने इग्नोर कर दी प्रोसीडिंग या नेचर या इफेक्ट ऐसा था तेरा डेट का जो भी हुआ जो भी हुआ उसको भूल जाओ उसका अब फाइनल इंपैक्ट क्या है कि भैया नाम लिस्ट के अंदर नहीं है लिस्ट के अंदर उसका नाम नहीं है और उसको पैसा ड्यू है तो क्या वो गलत बात है सर है तो देखो ऐसे रिड्यूस हो जाएगा उसके बाद द कंपनी कमिट्स अ डिफॉल्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन सिक्स ऑफ आई आप समझ रहे हो आगे क्या बात हो रही है एंड को एंड को जरा मार्क करेंगे मेरे साथ सब बच्चे एंड मतलब ऊपर वाला केस तो हुआ ही हुआ लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया और आगे उसका पैसा जो था ना उसका पैसा वो आपने पे नहीं किया मतलब डिफॉल्ट हो गया अगर डिफॉल्ट नहीं होता स्टिल में यह सबसेक्शन नहीं लगाता क्यों क्योंकि मैंने क्रेडिटर को बोल दिया ना कि भाई तेरे पेमेंट तो मैं कर रहा हूं अरे माना तेरा लिस्ट के अंदर नाम नहीं है लेकिन तेरे को पेमेंट तो मैं दे रहा हूं ना अब यहां पर क्या हो रहा है लिस्ट के अंदर नाम नहीं है शेयर कैपिटल रिड्यूस हो चुका है और डिफॉल्ट हो गया है

उस क्रेडिटर का पैसा देने के लिए वो मेंबर है कौन जो ROC के रजिस्ट्रेशन के दिन एक मेंबर है 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 ठीक सर कितना पेमेंट करना एन अमाउंट मेंच ही वुबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इफ अप वन डे इमीजिएटली बिफोर द सेट डेट के रजिस्ट्रेशन डेट आरओसी की रजिस्ट्रेशन के डेट के एक दिन पहले अगर कंपनी की वाइंडिंग अप हो जाती तो उस केस में तू कितना कंट्रीब्यूट करता उतना आज तू उस क्रेडिटर को पेमेंट करने में कंट्रीब्यूट कर सर हमें ये निकालना आ सकता है कि अलग से नहीं आएगा ये सिर्फ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए क्योंकि वाइंडिंग अप का चैप्टर आपके कोर्स का पार्ट नहीं है इसलिए आपसे वो नहीं पूछेंगे क्लियर है बातें हाँ सर सर ये तो डिटेल लेक्चर लग रहा है बोल तो रहा हूं रिविजन के अंदर मेरे से भी रहा नहीं जाता मैं सब कुछ बता दूंगा आपको बस आप ध्यान से पढ़ाई करो क्लॉज नंबर बी इफ द कंपनी इज बाउंड अप अब क्या हो रहा है देखो द ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच क्रिएटर सच क्रिएटर मतलब जिसका नाम जिसका नाम लिस्ट के अंदर नहीं है एंड एंड डिफॉल्ट हो चुका है तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच क्रिएटर एंड प्रूफ ऑफ हिज इग्नोरेंस इग्नोरेंस मतलब आ रहे उसके इग्नोरेंस की वजह से नाम नहीं आया ंगस फिट इफ दिब्यूनल थिंग्स फिट इट कैन सेटल अ लिस्ट ऑफ पर्सन सो लाइबल टू कॉन्ट्रीब्यूट वो डिसाइड करेगी कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एंड मे कैन एनफोर्स कॉल्स एंड ऑर्डर ऑन द कॉन्ट्रीब्यूटरी सेटल ऑन दट लिस्ट उस लिस्ट के हिसाब से जो 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 नाम आएंगे उनको बोला जाएगा कि भैया कॉल कर एनफोर्स किया जाएगा पैसा दे एज इफ देवर कॉन्ट्रीब्यूटरीज इन अ वाइंडिंग अप एज इफ अगेन वी आर लिंकिंग इट टू द वाइंडिंग वी आर लिंकिंग इट टू बट इस केस में क्या हो रहा है एनसीएल का इन्वॉल्वमेंट है ट्रिब्यूनल का इन्वॉल्वमेंट है क्यु? क्यु? क्यों क्योंकि वो क्रेडिटर रोता 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 एक एप्लीकेशन फाइल कर चुका है ट्रिब्यूनल के पास तो दोनों में कुल मिला के बाद क्या आई कि क्रेडिटर अरे क्रेडिटर सुन तेरा नाम लिस्ट के अंदर नहीं आया तेरे अगेंस्ट डिफॉल्ट हुआ लेकिन मेम्बर से पैसा दिलवा दूंगा टेंशन मत ले क्लॉजी ने बोला ठीक है सर नथिंग अंडर सबसेक्शन एटेक्ट द राइट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटेल्स प्रोसीजर आपस में कोई राइट right चेंज नहीं होंगे ऊपर वाले सबसेक्शन के हिसाब से

मार्केट ऑफ़ मेहता देखा है? ऐसा. क्या होगा यार प्राइस तो बड़ा नीचे डिमांड बढ़ाते हैं किसी को बोला सुन, सुन, सुन. दस लाख रुपए शेयर खरीदना हमारे मैं तेरे को लोन देता हूं तो शेयर खरीदना तो उससे प्राइस बढ़ेगा ऐसा अलाउड नहीं है सेक्शन सिक्सटी ने मना कर देगा कि यू कैन नॉट यू कैन नॉट नी लोन्स फॉर परचेज ऑफ यूर ओन शेयर बट सर हमने एक बाय बैक पढ़ते हैं अरे रुको ना अभी लिंक करा तो रुको आओ बेसिक रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ ओन शेयर नो कंपनी लिखो यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट अरे अपने बुक में लिखो ना पब्लिक और प्राइवेट नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल है नो सच कंपनी शैल हैव द पावर टू बाय इट्स ओन शेयर्स अनलेस द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज इफेक्टेड अंडर ऑफ दिस एक्ट मतलब अगर आपका सेक्शन एट है तो अलाउड है अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अलाउड है तो सिक्सटी एट कंप्लाई नहीं करते तो आप अपने शेयर खरीदवा नहीं सकते नहीं खरीद सकते ठीक है सर सर ये एक रेस्ट्रिक्शन जो हमने बोली में काइंड ऑफ अ प्रोहिबिशन हमने जो बोली दिस इज नॉट एप्लीकेबल

ये दोनों चीजें होने के बाद आपको एक चीज कंप्लाई करनी है कि आपके शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है नहीं है तो ठीक है फिर आपके निधि के ऊपर ये सेक्शन 67 नहीं लगेगा आप बेशक शेयर्स खरीद लो आप बेशक उस मेंबर के शेयर्स खरीद लो ठीक है आओ सेक्शन टू रेस्ट्रिक्शन ऑन गिविंग लोन गारंटी सिक्योरिटी असिस्टेंट फॉर इट्स और होल्डिंग कंपनी सिक्योरिटीज सर इतना सारा क्या पढ़ रहे हम अब ध्यान से सुनना ये वाला जो मैं रेस्ट्रिक्शन आपको बता रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू लोन गारंटी सिक्योरिटी असिस्टेंस किस चीज का खुद के शेयर बाय करने के लिए सर ऊपर क्या पढ़ा ऊपर खुद वो शेयर बाय कर रहा है ऊपर वाले में वो खुद शेयर अपने बाय करवा रहा है यहां पे क्या कर रहे हैं यहां पे लोन दे रहे किसी को जो मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दिया ना मिस्टर राम वाला वो इसके लिए एप्लीकेबल है यहां पे वो खुद ही बाय कर रहा है यहां पे खुद बाय नहीं कर रहा है किसी को लोन दे रहा है या असिस्टेंस दे रहा है या गारंटी दे रहा है या सिक्योरिटी दे रहा है ठीक सर ये पे लग रहा है पब्लिक कंपनी यह प्राइवेट पे नहीं लगता है उनको भी पता है प्राइवेट कंपनी इन सब कामों में नहीं पड़ेगी छोटी छोटी कंपनी है लेकिन ये पब्लिक कंपनी पड़ेगी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है तो नो पब्लिक कंपनी शायल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर बाय मींस ऑफ लोन गारंटी सिक्योरिटी और एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस किस चीज के लिए फॉर द पर्पज और इन कनेक्शन विद परचेज और सब्सक्रिप्शन मेड और टू बी मेड मतलब कर रहे हो या आगे करोगे बाय एनी पर्सन फॉर और एनी ऑफ इट शेयर माफ करेंगे यहां पर लिखेंगे सिक्योरिटीज और उसके बाद कट सर क्यों अरे डिबेंचर्स का थोड़ी ना प्राइस मैनिपुलेशन होगा शेयर का होगा ना जो लिस्टेड है इसमें लिस्टेड वर्ड नहीं उसके लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड दिस तो शेयर्स का परचेज सर शेयर किसके खुद के या खुद के फादर साहब के फादर साहब मतलब होल्डिंग कंपनी तो कंपनी के शेयर्स या होल्डिंग के सर सब्सिडरी के लिए दे दू हाँ अलाउड है कोई दिक्कत नहीं है भाई क्योंकि सब्सिडरी कवर नहीं है इसके अंदर

तो अब आप बोलो कि सर सबसेक्शन थ्री चेक कर लेते हैं क्योंकि तीन क्लॉजेस आने वाले हैं जिसमें एग्जेम्पन मिल जाएगा पहला बैंक सर बैंक क्या करती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मनी लेंड करती है तो वो क्या अपने शेयर परचेज करने के लिए मनी दे सकती है दे सकती है क्योंकि वो इतना सारा चेक ही नहीं कर पाएगी रोज का काम है उसका धंधा रोज का काम है बिजनेस कि वो अपने लोन वो लोन वगैरह दे रही है तो इसको एक्सक्लूड कर दो यहां से ठीक है एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कैसे देखो द प्रोविजन बाय अ कंपनी ऑफ मनी वो पैसों का प्रोविजन कर रही है एज पर एनी स्कीम अप्रूव बाशन पॉइंट टू बी नोटेड मार्क करो कि इसके लिए आपको एस आर पास करना पड़ेगा एंड एज पर एनी अदर रिक्वायरमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब कोई प्रिस्क्राइब नहीं आप लर्न मत करो किस चीज के लिए फॉर परचेज और सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स फुल्ली पेड अप शेयर सेकंड कंडीशन है यहां पे कि वो फुल्ली पेड

आप एम्प्लॉय को लोन दे रहा और एम्प्लॉय का मतलब है डायरेक्टर और के एमपी हटा देना सर डायरेक्टर केमपी ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े लोग हैं इनके पास अच्छा खासा पैसा होता है ये और मैनिपुलेशन करेंगे गड़बड़ करेंगे तो आप इनको लोन मत दो सर कितना दे सकते हैं इनकी सैलरी पूछो कितनी है उसने कहा सर मेरी सैलरी पर मंथ है मैंने कहा तो तेरे को एक लाख बीस हजार तक का हम लोन दे, दे देंगे मतलब सिक्स मंथ का दे देंगे ओके सो लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ लोन लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ लोन कितना फॉर एन अमाउंट नॉट मतलब अप टू देयर सैलरी और वेजेस वट एवर इट इज ये एक ही बात है अभी के लिए कि उनका उनकी मंथली कमाई कितनी है फॉर अ पीरियड ऑफ़ मंथ्स अब एक छोटा कि वी आर, ताकि आप हेल्प कर सको एम्प्लॉय को परचेज करने के लिए शेयर कौन से फुल्ली अप शेयर और उनका बेनिफिशियल ओनरशिप रहेगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है नोट एक बोर्ड रिपोर्ट का डिस्कलोजर देना है कैसे देखो डिस्कलोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ वोटिंग राइट्स नॉट एक्सरसाइज डायरेक्टली द शलड इन रिस्पेक्ट ऑफ टू द द स्कीम बी मेड इन बोर्ड रिपोर्ट इन द प्रिक्राइब मैनर अगर कोई वोटिंग राइट्स है एम्प्लॉइज के पास एज अ बेनिफिशियल ओनर बट नॉट एज अ रजिस्टर्ड ओनर तो उनके पास वो डायरेक्टली नहीं है वोटिंग राइट्स अभी डायरेक्टली उनके पास एक्सेबल नहीं है तो उसका प्लीज आप डिस्कलोजर दे देना बोर्ड रिपोर्ट में ये रूल नंबर सिक्सटीन ने बोला

क्लियर एंड नो डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बोरोइंग सर सच मतलब क्या सच मतलब क्या अरे सच मतलब ऊपर वाला ये वाले की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? जो इनसे लिया है ओके सो नो डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ सच बोरोइंग सबसिस्टिंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन अंडर दिस सेक्शन तो सेक्शन 67 का आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उस केस में आपका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए मतलब एट द टाइम ऑफ मेकिंग द ट्रांजेक्शन ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा सेक्शन 67 अब एक और सेक्शन करते हैं बेहद इजी वेरी वेरी इजी सेक्शन नंबर 68 इसमें डाउट्स आते हैं तो अगर आपके दिमाग में कोई सेक्शन बना हुआ है तो उसको थोड़ा सा थोड़ा सा साइड छोड़ दे और मेरे साथ एक नए तरीके से पढ़ेंगे सेक्शन नंबर एट पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज मतलब खुद के सिक्योरिटीज बाय कर रही है सर डाउट आ रहा है बाय बैक क्यों करे अरे रिविजन लेक्चर है लेकिन सर बताओ ना मैंने कहा सुनो कभी कभार

ये डिनोमिनेटर कम होएगा तो ईपीएस बढ़ेगा एंड सिमिलरली बुक वैल्यू बढ़ाने के लिए अपनी बुक वैल्यू बढ़ाने के लिए एक्सेस कैश यूज करने के लिए या फिर ऐसे कोई रीजन की वजह से प्रोमोटर स्टेक बढ़ाने के लिए आप बायक कर सकते हो ठीक है सर आ जाओ सबसे इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फॉर्मेलिटीज आने वाली है जो आप डिवाइड कर सकते हो काइंड ऑफ बायबैक से पहले वाली और बायबैक के बाद वाली बायबैक के बाद वाली मैंने एक छोटा सा नोटिंग भी आपके लिए करके दी है बट यस yes, आप कुछ फॉर्मेलिटीज पहले करोगे कुछ फॉर्मेलिटीज बाद में करोगे अब अगर बायबैक करना है तो उसका सोर्स क्या होगा मतलब पैसा कहां से यूज करूंगा फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स

एक काइंड kind ऑफ of, आपने कुछ इशू किया शेयर कैपिटल अब आप दोबारा सेम काइंड का कर बोला, 43. में और पड़ा था हाँ सर हाँ अब याद आ रहा है सर सिक्स परसेंट प्रेफरेंस शेयर और सेवन परसेंट प्रेफरेंस शेयर भी तो काइंड है नहीं वो है क्लास है क्लास में बेटा कभी कंफ्यूज मत होना काइंड और क्लास दोनों में फर्क है ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे इंटरप्रिटेशन में समझ आएंगी प्लस क्लास में मेरे लेक्चर्स में मैं एक फाउंडेशन लूंगा आपसे एक फाउंडेशन क्लास लूंगा बेसिक्स क्लास लूंगा उसमें ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी ठीक है अब आपके दिमाग में एक और डाउट अटका हुआ है ये हो आप आप छोटे से बच्चों ना भी रिविजन लेख रहे हो ये आपके दिमाग में डाउट है सर ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब क्या है अरे स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब ई सॉप या फिर एनी अदर सिक्योरिटीज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम ठीक है सर एक सबसेक्शन टू आता है जिसमें ना हमेशा हमें प्रॉब्लम आती है कि बाय बैक की कंडीशन क्या होती है इसमें छह सात कंडीशन लिख दी है एकदम थ्योरिटिकल मैनर में सबसे पहले ये थियोरिटिकल मैनर में नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपके लिए एक हैंड रिटन नोटिंग ऑलरेडी रेडी कर रखी है आओ सेक्शन नंबर टू ये वाला नोट आपको नहीं लिखा तो सेक्शन नंबर स्पेशल रिजोल्यूशन क्लियर अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना है सर अभी तो आपने बोला एसआर पास कराना है अरे मेरे भाई वो मैंने एओए के लिए बोला वो अलग चीज अभी दूसरा एसआर है किस चीज के लिए बायबैक के लिए लेकिन सर अगर बायबैक ये ये स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग का नहीं हो पा रहा है तो हम कुछ और कंडीशन के द्वारा काम चल सकता है क्या हाँ अगर एसआर नहीं हो पा रहा सो इट इज स्टिल ओके बट यू हैव टू कंप्लाई दीज टू कंडीशन क्या बाय शुड बी अप टू टेन परसेंट मोर देन नहीं टू टेन परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड कंडीशन बोर्ड रिजोल्यूशन पास करवा लेना बोर्ड मीटिंग में सर ऐसा क्यों लिख रहे हो बोर्ड मीटिंग में अरे मैंने पहले भी बताया था बोर्ड रिजोल्यूशन दो तरीके का होता है एक होता है एट बोर्ड मीटिंग एक होता है बाय सर्कुलेशन सर्कुलेशन वाली बात सीए फाइनल में आती है इसलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूं कि यू शुड नॉट पास दिस बोर्ड बाय बाय सर्कुलेशन यू हैव टू पास दिस एट अ बोर्ड मीटिंग आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर ठीक है कंडीशन नंबर थ्री बाय दैक शुड बी अपू ट्वेंटी फाइवेंट ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व सर ये तो सेम बात बोल दिया आपने ऊपर अरे भाई ऊपर इक्विटी बोला है ठीक है थोड़ा सा परसेंटेज पे ध्यान देंगे क्या क्या बोल रहा हूं उस पर ध्यान देंगे ठीक है लेकिन सर अगर मैं इक्विटी शेयर का बाय कर रहा हूं तो आप एक काम करना आप ये पेडअप कैपिटल की जगह उसको पेडअप इक्विटी कैपिटल ही मान लेना आप पेड़ इक्विटी कैपिटल ही मान लेना क्लियर बात है हाँ सर अब एक रेशियो के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आने वाली है कि आपका बायबैक के बाद का टोटल ऑफ सिक्योर्ड प्लस अनसेक्योर डेट तो सीधा सीधा बोलो ना सर टोटल डेट अरे लेकिन लॉ में तो ऐसे ही लिखा है ना तो आपको पहली बात तो मुझे समझाना पड़ेगा राइट तो बाय का आपका टोटल डेट का रेशियो किसके साथ पेडअप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व टू मैक्स टू टू वन अरे मतलब अगर पेडअप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एक रुपया है तो टोटल का डेट होना चाहिए मैक्स टू मैक्स टू और सर इसके ऊपर जा सकते क्या रेशियो के जा सकते हैं अगर सीजी आपको अलाउ करेगी ठीक है मतलब हायर नोट हायर रेशियो नोटिफाई करती है तो नेक्स्ट सिक्योरिटीज जो आपको बाय बैक करनी है वो फुल्ली पेडअप होनी चाहिए मतलब दस रुपए का शेयर है छह रुपए पेडअप पे, है चार रुपए भी आना बाकी है उससे पहले आप दस का बायक कर लेते तो नहीं अलाउड पहले उसको फुल्ली पेडअप कराओ अगर सिक्योरिटीज लिस्टेड है मैं सिक्योरिटीज वर्ड यूज कर रहा हूं शेयर नहीं सिक्योरिटीज क्योंकि बाय बैक सिर्फ शेयर का नहीं होता है सिक्योरिटीज का होता है मतलब कोई भी और भी सिक्योरिटी आपकी बाय बैक करी जा सकती है सर अगर आपकी सिक्योरिटीज uh, जो है वो लिस्टेड है यू हैव टू कंप्लाई विद द सेबी रेगुलेशन एंड अगर अनलिस्टेड है यू हैव टू कंप्लाई विद द विदिस्क्राइब रूल्स सर कौन से रूल है ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है गैप मेंटेन करना है मतलब आज अगर मैं एक आपको बाय का ऑफर देता हूं तो अगला बाय का ऑफर के बीच में गैप होना चाहिए मिनिमम वन ईयर ठीक है ये बात समझ में आई है ये सारी बातें आपको इसके अंदर दे रखी है ठीक है गैप वाली बात भी आपको दे रखी है टू बायक के बीच में आपको कितना गैप मेंटेन करना है अब आ जाओ छोटी छोटी बातें प्रोसीजरल डिस्कलोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सबसे जो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओगे उसके अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा नोटिस के साथ उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको डिटेल्स बतानी पड़ेगी फुल एंड फेयर डिस्कलोजर ऑफ बायक आप कौन सी सिक्योरिटीज बायक कर रहे हो आप कितने में कर रहे हो आपकी नेसेसिटी क्या है क्यों बायक कर रहे हो यह सारी चीज आपको डिस्कलोज करनी है दिस इज रेड विद रूल नंबर सेवनटी टाइम लिमिट टू कंप्लीट बाय एवरी बाय विल बी कंप्लीटेड विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन और एज द केस में भी बोर्ड रिजोल्यूशन ऐसा क्यों बोला अरे वो स्पेशल रिजोल्यूशन की जगह मैंने बोला था ना कि अगर आप दो कंडीशन कम्प्लाई करो जिसमें से एक है बोर्ड रिजोल्यूशन इसीलिए बोला एज द केस में भी तो या तो आप एस आर पास करा रहे हो या तो आप बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर रहे हो एट द बोर्ड मीटिंग उसके विद इन वन ईयर आपका बाय बैक कंप्लीट हो जाना हो जाना चाहिए अगर नहीं हुआ तो आपको दोबारा से एक नया एस आर या बी आर जो है वो पास कराना पड़ेगा सर मैं ये कौन सी सिक्योरिटीज बाय बैक कर रहा हूं सबसेक्शन फाइव बोलता है कि या तो आप अपने एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर से बाय बैक कर लो ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस जैसे हमने बोला भाई एग्जिस्टिंग वालों का सबका पांच पांच परसेंट में बायबैक कर रहा हूं या फिर आप ओपन मार्केट से उठा लो ओपन मार्केट मतलब काइंड kind ऑफ of आप एग्जिस्टिंग वालों से उठा रहे हो बट ओपन मार्केट में उठा रहे हो कि ऐसा नहीं कि मैं तेरा पांच परसेंट तेरा पांच परसेंट नहीं एक ओपन ऑफर दे दो और सिक्योरिटीज का बाय कर लो ठीक है नेक्स्ट और बाय परचेसिंग द सिक्योरिटीज सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉइज पर्सन टू ई सॉप और स्वेट इक्विटी या फिर अपने सिर्फ एम्प्लॉयज को बोलो कि मैं तुम एम्प्लॉयज से सिक्योरिटीज बाय बैक कर रहा हूं जो मैंने आपको इशू करी थी अंडर ई सॉप और स्वेट इक्विटी दोनों मैंने यहां पे पढ़ा दिए इस चैप्टर में अब आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करनी पड़ती है अंडर सबसेक्शन सिक्स आपको ये बोलना पड़ता है कि सुनो मैं जो सिक्योरिटीज बाय बैक कर रहा हूं ना उसका इससे कोई लिंक नहीं है कि मेरे पास आज पैसे वगैरह नहीं है मैं एकदम सोल्वन टू पैसा है मेरे पास बहुत मैं बस बाय बैक अलग से कर रहा हूं तो कोई इंसॉल्वेंसी वगैरह के कंसर्स रेस करने की जरूरत नहीं है मैं डिक्लेरेशन फाइल करने के लिए रेडी हूं ओके तो कंपनी एक डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी फाइल करेगी कब करेगी बायबैक से पहले कितना पहले कोई कोई इसके अंदर टाइम लिमिट नहीं है बस पहले कर देना इन फॉर्म नंबर एस एच नाइन सर किसको फाइल करना है आर ओसी को लेकिन अगर आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है तो सेबी को भी करनी है मतलब सेबी को एडिशनली करनी आर ओसी के पास तो जाएगी जाएगी सर इसको साइन करवा लेना मिनिमम टू डायरेक्टर से जिसमें से एक डायरेक्टर रहेगा आपका मैनेजिंग डायरेक्टर इफ इफ एनी एनी सर क्यों लिखा अरे इफ एनी इसलिए लिखा क्योंकि सेक्शन टू प्लस फिफ्टी फोर में आपको इसका मतलब समझाया था एमडी का कि एमडी वही है जो डायरेक्टर है और उसके पास सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट है तो हो सकता है हमारे कंपनी में कोई एमडी ना हो भाई ठीक है इसीलिए इफ एनी अच्छा सर आपको इसमें एक वेरिफिकेशन भी सबमिट करनी है किस चीज की अरे वही सोलवन की आओ दिस फॉर्म शुड बी वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट एफिडेविट व्हाट इज इट इज अ लीगल सोन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है एफिडेविट एफिडेविट तो आप एक फाइल करो टू द इफेक्ट क्या दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज मेड अ फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दे हैव फॉर्मड एन ओपिनियन डायरेक्टर कह रहे हैं पूरी इंक्वायरी कर चुके हैं और हमारा ओपिनियन है कि हम अपनी लायबिलिटीज मीट कर लेंगे एंड अगले एक साल तक कब से जब से ये डिक्लेरेशन बोर्ड ने अडॉप्ट किया है ये जो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना है उसके अगले एक साल तक हमको इन सोल्वेंट नहीं होने वाले उसके बाद प्रॉब्लम आ सकती है वो अलग बात है लेकिन हम हाँ अभी सॉल्वेंट है लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देंगे तो उसका लिंक नहीं है कोई बायबैक से बायबैक में आप हमारे क्वेश्चन मत रेस करें हमारे सोल्वेंसी के ऊपर हम बिल्कुल सॉल्वेंट है ठीक है सर अगर सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है तो यह चीज ये वाला डिक्लेरेशन सिर्फ आरोसी के साथ जाएगा यह बोलने की जरूरत नहीं थी ठीक है सर पोस्ट बायबैक आपको क्या करना है आपको जो शेयर है ना वो फिजिकली पूरा उसको एक्सटिंग्विश करके फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देने कितने टाइम में विद इन डेज ऑफ लेकिन ऑब्वियसली ये कब लगेगा जब शेयर है फिजिकल फॉर्म में डीमेट के के केस में ये नहीं लगेगा अच्छा सर वेर कंपनी कंप्लीट से बाय शल नॉट मेक अ फर्दर इश्यू ऑफ द सेम काइंड मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस सेम काइंड ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज विद इन सिक्स मंथ्स इंक्लूडिंग द अलॉटमेंट ऑफ न्यू शेयर्स अब इन्होंने क्या, बोला? इन्होंने क्या बोला कि आज अगर मैंने बाय बैक कंप्लीट किया है तो मैं उसके छह महीने तक इशू नहीं करूंगा सेम काइंड का सर अभी तो ऊपर पढ़ाया वन ईयर अरे लालाजी वो वन ईयर था विद रिस्पेक्ट टू टू गैप बिटवीन टू बाय बैक्स मैं यहां पर बोल रहा हूं बाय बैक के बाद उस पर्टिकुलर का जिसका बाय बैक किया उसके इश्यू के बारे में तो प्लीज कंफ्यूज मत होना ठीक है तो आप छह महीने तक कोई नया इशू नहीं करोगे और ना ही आप कोई अलॉटमेंट करोगे न्यू शेयर का मतलब बेसिकली हमें न्यू शेयर नहीं चाहिए लेकिन सर उसका एक्सेप्शन है एक्सेप्शन मतलब आप छह महीने में भी ये चीज कर सकते हो क्या आप बोनस इशू निकाल सकते हो क्योंकि वो नया नहीं है काइंड kind ऑफ of कह सकते न, वालों को ही हम वो कैपिटलाइजेशन करके दे रहे हैं ऊपर 63 में जैसे पढ़ा था और यू कैन इश्यू इन डिस्चार्ज ऑफ सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन सचेस कन्वर्जन ऑफ वॉरेंट स्टॉक ऑप्शन वेट इक्विटी और कन्वर्जन ऑफ प्रेफरें डिमेंचर इंटू इक्विटी शेयर तो काइंड ऑफ कह सकते हैं ये वाला जो चीज थी आपकी जो कन्वर्जन हो रही है ये तो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है ना

उसके अंदर मेंटेन करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बाय होने के बाद आपको एक और रिटर्न फाइल करनी है सर ऊपर डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी अलग थी ये आप एक रिटर्न फाइल कर रहे हो आरओसी को एंड अगर आपके सिक्योरिटीज लिस्टेड है तो सेबी को भी क्या कि भैया एक रिटर्न है बाय कि कितने फाइल करना है विद इन थर्टी डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ बाय बैक ओके okay, इस पूरे सेक्शन के लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड फ्री रिजर्व जिसको मैं पढ़ाता हूं आपको सेक्शन नंबर टू क्लॉस फोर्टी थ्री में चैप्टर वन में उसके अंदर यू हैव टू अज्यूम दैट फ्री रिजर्व इंक्लूड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम आल्सो वैसे इंक्लूड नहीं होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट अ फ्री रिजर्व वहा अरे फ्री रिजर्व होता है विच इज अवेलेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिविडेंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अवेलेबल फॉर सेक्शन फिफ्टी टू सबसेक्शन टू परपजेस लेकिन इस सेक्शन के लिए दोनों को एक मान लेना ठीक है भैया कैलकुलेशन में उसको एक ले लेंगे जहां जहां फ्री रिजर्व पड़ा उसके अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी इंक्लूड कर लेंगे हाँ या ना तो सर एक छोटी सी नोटिंग आप दोनों के लिए की है मैंने कि इसमें चार फॉर्मेलिटीज ऐसी निकल के आ रही है जो आपको बायबैक बैक की बात करनी है क्या एक्सटिंग्विश एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय शेयर ऑब्वियसली नॉप्लीकेबल वेन टॉक अबाउट डीमेट शेयर सिक्स मंथस का कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर इशू विथ टू एक्सेप्शन बोनस शेयर एंड कन्वर्जन रजिस्टर इन फॉर्म एस एच टेन एंड रिटर्न ऑफ बायबैक टू बी फाइल विद इन थर्टी डेज ऑफ कंप्लीशन विद इन थर्टी डेज ऑफ कंप्लीशन ठीक है और सर बाकी सारी फॉर्मेलिटीज डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी वगैरह वो सारी चीजें जो लिमिट्स का कंप्लाइंस करना है बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है जो स्पेशल रेजोल्यूशन वाली बात है एओए एथराइजेशन वाली बात है वो सारा फलानी बात है वो सारी बिफोर बाय बैक तो आप यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाओगे मेरे लिए आप यहाँ पे लिखोगे बिफोर बाय बैक और आफ्टर बाय बैक ऐसी फॉर्मेलिटीज बनाना और मुझे उसकी पिक्चर शेयर करना कौन शेयर करेगा वो मैं देखता हूं ठीक है चलो आओ सर आगे एक और सेक्शन है इसके बाद विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 69 अगर ये दिस इज टू टू सेक्शन सेक्शन 68 68 अगर आप बायबैक कर रहे हो और बायबैक का आपका जो सोर्स है ना वो है फ्री रिजर्व्स या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट मतलब आप स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वगैरह वो यूज नहीं कर रहे हो तो उस केस में जो भी आपका शेयर्स बायबैक होने वाले हैं ना उसका जो नॉमिनल वैल्यू है मैं यहां पे सिर्फ शेयर्स की बात कर रहा हूं ओवरऑल वर्ड सिक्योरिटीज वर्ड नहीं यूज कर रहा ठीक है तो उसका जो भी नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू उतने का अमाउंट आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना है और वो ट्रांसफर की डिटेल्स आपको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करनी है और इस सीआरआर अकाउंट को आप यूज कर सकते हो बोनस देने के लिए ठीक है तो यू कैन यूज दिस फॉर पेइंग अप अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी बीड टू द मेंबर्स एज फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स क्या ये बातें आपको क्लियर है ठीक है आगे बढ़े ओके सेक्शन नंबर 69 हमारा हो चुका है लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर 70 prohibition for buyback in certain circumstances अब मैं आपको करवाने वाला हूं चार सरकमस्टेंसेस जिसके अंदर ये बायबैक जो है वो प्रोहिबिटेड है सर लेकिन आप तो कह रहे हो ये तीन सरकमस्टेंसेस है ना आप बोल चार रहे हो अरे नीचे एक और आने वाला है सब सेक्शन 2 में इस जिसके अंदर अगेन वी विल स्टडी अबाउट वन स्पेसिफिक केस ऑफ डिफॉल्ट जिसके अंदर चार सेक्शंस की बात करी गई है उस केस में भी आप बायबैक नहीं कर सकते सो लेट्स स्टार्ट क्शन वन थ्री सर्कमस्टांस टोटली प्रोहिबिटेड फॉर बाय बैक नो कंपनी शेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी कंपनी मतलब कोई भी सब्सिडरी इंक्लूडिंग खुद की सब्सिडरी अरे आपको बाय बैक करना तो आप खुद करो ना इनके इंडायरेक्टली क्यों कर रहे हो सिमिलरली थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी अलग से इन्वेस्टमेंट कंपनी को डिफाइन नहीं करा गया है तो आप इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा बायबैक मत कराओ आप खुद बायबैक करो थर्ड इफ ए डिफॉल्ट इज मेड बाय द कंपनी इन रीपेमेंट देखो ये सारी की सारी वही बातें क्या 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 रीपेमेंट करनी होती है बताओ क्या क्या डिफॉल्ट हो सकते डिपॉजिट डिबेंचर वो सारी बातें यहां पे कवर्ड है रीपेमेंट ऑफ डिपोजिट्स एक्सेप्टेड बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट तो पुराने हो नए हो अरे मेन बात क्या है कि आपने डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट में इंक्लूडिंग इट इट्स इंटरेस्ट और रिडेमशन ऑफ डिवेंचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर और पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू एनी शेयर होल्डर सर डिविडेंड बोला है डिक्लेयर डिविडेंड नहीं बोला है तो प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों कवर्ड है आप प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो दोनों में से कोई डिविडेंड के ऊपर डिफॉल्ट कर रखा है तो अरे वो पहले पे करना कहां से ये बायबैक में जा रहा है राइट रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन और इंटरेस्ट पेबल देखेंगे मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दो ही सोर्सेस की जो है वो बात कर रहा हूं और मैंने क्या लिया इनसे टर्म लोन और टर्म लोन की पेमेंट नहीं करी या तो उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया है क्लियर है तो यही दोनों सोर्स के रिस्पेक्ट में मैंने बात करी है तो पहले सर डिफॉल्ट करो फिर अपना बाय करो ओके okay? अब इस बच्चे के दिमाग में डाउट कह रहा है सर अगर डिफॉल्ट ठीक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है ठीक करो लेकिन ठीक करने के बाद तीन साल का वेट करो फिर आप बायबैक में जाओ ओके सो प्रोवाइडेड दैट द द बायबैक इज इज नॉट प्रोहिबिटेड इफ डिफॉल्ट डिफॉल्ट मतलब करेक्टेड एंड अ पीरियड ऑफ इयर्स हैज लैप्स आफ्टर सच सीज सीज टू टू मतलब ठीक होने के बाद तीन साल का सर वेट करना है वरना फिर ऐसे तो हो जाएगा कि आप ठीक कर दोगे बायबैक कर दोगे बाद में फिर डिफॉल्ट कर दोगे नहीं आप तीन साल का वेट करो तीन साल दिखाओ हमें ठीक है तीन साल का कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो सर्व करो उसके बाद आप बाय बैक कर सकते हो उसके साथ साथ सबसे टू सेक्शन के नाम लर्न करने नाइनटी टू एनुअल रिटर्न वन ट्वेंटी थ्री एंड वन ट्वेंटी सेवन विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड वन ट्वेंटी नाइन विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये अभी कुछ कुछ सेक्शन आपके हुए नहीं है अभी होंगे चैप्टर नंबर एट में भी ये लोग आने वाले हैं ये सारे सेक्शन वैसे आपके बचे हैं तो अभी लर्न कर लो कि इन चार सेक्शन में अगर आपका कोई नॉन कंप्लाइंस है तो भी जो है आप बाय बैक नहीं कर सकते सर बहुत कर ली शेयर की बातें शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स है चैप्टर का नाम आपने बड़ा बड़ा लिख रखा है सर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स तो अब जरा हमें डिबेंचर्स के बारे में बताओ लेट्स टॉक अबाउट डिबेंचर्स आ जाओ देखो डिबेंचर्स के रिस्पेक्ट में छोटा सा नोट इंस्ट्रूमेंट्स रेफर टू इन चैप्टर थ्री डी ऑफ आरबीआई एक्ट एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एज कंसल्टेशन विद आरबीआई नॉट बी ट्रीटेड एज डिबेंचर वो आरबीआई एक्ट के थ्री डी

ठीक है तो उसका मुझे सर्टिफिकेट चाहिए अ डिबेंचर सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन इफ एनी अब आपको इसका मतलब क्लियर है इफ एनी का और अंडर द सिग्नेचर ऑफ टू डायरेक्टर्स और वेयर देयर इज अ कंपनी सेक्रेटरी अ डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी सर सीएस नहीं है कंपनी में तो दो डायरेक्टर से साइन कराना एमडी का कराना जरूरी है नहीं ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है ठीक है डिबेंचर के ऊपर पीरियडिक इंटरेस्ट रहता है एंड वो क्या रहता है वो डिपेंड करता है वो कोई भी इंटरेस्ट रेट हो सकता है वो कभी भी पेमेंट करी जा सकती है एनुअल हो सकती है क्वार्टरली हो सकती है हाफ ईयरली हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ

अ डिवेंचर इज काइंड ऑफ इन द नेचर ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज ट्रांसफरेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी तो आर्टिकल्स के हिसाब से सबसे वो ट्रांसफरेबल है मतलब वट एवर द प्रोजन आर इन द आर्टिकल उसके हिसाब से ट्रांसफरेबल एंड इट इज अवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर फोर्टी फोर ने यह चीज बोली अच्छा डिबेंचर सिक्योर्ड भी रह सकता है अनसेक्योर भी रह सकता है सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में नीचे अभी बात आने वाली है तो उसमें हम देख लेंगे सिक्योर्ड मतलब अरे चार्ज क्रिएटेड है डिवेंचर होल्डर को बोलेंगे कि तू टेंशन मत ले तेरा पैसा नहीं आया तो तू बिल्डिंग उठा लियू हमारी चार्ज क्रिएट कर ले ठीक है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज अभी हमारा बचा है चैप्टर है वो अलग ओके एज पर द टर्म्स ऑफ इशू दे मे बी रिडीम एट द एंड ऑफ द फुल टर्म और इंस्टॉलमेंट मतलब अगर एंड में हो सकता है डिबेंचर की रीपेमेंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ही मैं वन शॉट रिडेमशन करूं या फिर एवरी ईयर आपको टेन टेन परसेंट फाइव फाइव परसेंट इट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स ऑफ इशू सर ऐसा हो सकता है क्या कि डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए कन्वर्टेबल डिबेंचर पॉसिबल है क्या आंसर इज ये आपको एक एस पास करवाना पड़ेगा उसके बारे में नीचे अभी मैं बात और करूंगा बट कन्वर्जन पॉसिबल है सर डिबेंचर सर्टिफिकेट आपको कब तक इशू करने है अरे दे नीड टू बी ऑर्डर तो को ने कोर्ट या ट्रिब्यूनल या कोई ऑथोरिटी के वर्ना तो मैं आपको दे देता डिबेंचर सर्टिफिकेट ठीक है तो मना किया हुआ है तो कोई बात नहीं वर्ना सिक्स मंथ में डिलीवरी कराओ ओके okay, नेक्स्ट बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स बेसिकली तीन कैटेगरीज के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी मतलब उसके पास कोई चार्ज वगैरह है क्या तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी कन्वर्टिबल या फिर नॉन कन्वर्टेबल मतलब शेयर्स में कन्वर्ट होएगा या नहीं होएगा कन्वर्टिबल में दो प्रकार आ सकते हैं मैंडेटरी और ऑप्शनल मैंडेटरी मतलब हंड्रेड कन्वर्जन

टेन ईयर्स फ्रॉम द इश्यू डेट टेन ईयर्स फ्रॉम द इशू डेट तो आपका मैक्स टू मैक्स टर्म इसके अंदर क्या रहने वाला है टेन ईयर्स प्रोविजो फॉर द फॉलोइंग फोर कंपनीज मोर देन टेन ईयर्स इज पॉसिबल बट नॉट लेन मोर देन थर्टी ईयर मतलब मैं आपको चार कंपनीज बताऊंगा जिसके अंदर टेन ईयर ऑफ डिबेंचर ये जो सिक्योर डिबेंचर है वो मोर देन टेन ईयर रह सकता है लेकिन थर्टी ईयर से ज्यादा नहीं कौन सी है सर इंफ्रा वाली कंपनी है या फिर गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिया तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स Infra, एक सेकंड हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड कंपनीज परमिटेड बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय आरबीआई और बाय नेशनल हाउसिंग बैंक और एनी अदर स्टेट्यूटरी अथॉरिटी तो इन चार केसेस में मोर देन टेन अलाउड है दैट इज मोर देन टेन बट नॉट मोर देन थर्टी ओके सर इनके कुछ डायरेक्शन के नाम दिए हुए यम लर्न कर ले क्या अगर पॉसिबल है तो लर्न करो वरना ये जो की है ना रेडमे इन्फ्रा के रिलेटेड कंपनी है सारी तो यार बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट होते हैं तो इसमें more than 10 years चाहिए होता है चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी और कंपनी मतलब जो इशू कर रही है या फिर ये किसकी प्रॉपर्टी और असेट हो सकती है सब्सिडियरी होल्डिंग और एसोसिएट सर इसको प्यार से लर्न कर सकते हैं कैश के नाम से कैश मतलब कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी या फिर होल्डिंग ठीक है एंड उसकी वैल्यू इतनी सफिशेंट होनी चाहिए फॉर ड्यू रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल का भी चार्ज प्रिंसिपल का भी अमाउंट कवर हो जाए और इंटरेस्ट का भी अमाउंट कवर हो जाए सर इन सबके लिए आपको एक डिबेंचर ट्रस्टी रखना पड़ेगा क्योंकि चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो ये सब ध्यान कौन देगा डिबेंचर तो बहुत सारे होंगे होल्डर बहुत सारे होंगे तो एक ट्रस्टी अपॉइंट होता है तो कंपनी अपॉइंट द डिबेंचर ट्रस्टी वेन बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स डिबेंचर एंड आपको एक ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी फॉर्म नंबर एस एच में कब नॉट लेटर दैन मतलब इससे ज्यादा नहीं मैक्स टू मैक्स सिक्सटी डेज आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ दिस डिबेंचर्स और उसको एग्जीक्यूट करना है डिबेंचर ट्रस्ट डीड एंड ये डिबेंचर ट्रस्टी का काम क्या है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स ठीक है सिक्योरिटी द सिक्योरिटी फॉर द डिवेंचर्स बाय वे ऑफ चार्ज और मॉड शल क्रिएटेड बाई द कंपनी इन फेवर ऑफ डिवेंचर ट्रस्ट ये कोई खास पॉइंट नहीं है आप डिबेंचर ट्रस्टी के लिए क्रिएट करोगे और डिबेंचर ट्रस्टी किसके लिए काम कर रहा है डिबेंचर होल्डर के लिए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योर्ड डिबेंचर क्लियर ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिबेंचर रिडेमशन रिजर्व तो कंपनी को बोला कि भैया तू अपना डीआरआर क्रिएट डी आर आर क्रिएट से आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड मतलब ये फ्री की बात कर रहा है अगर आप इस डेफिनेशन का एनालाइज कर पाए हो दिमाग में क्लिक कर गया इसका मतलब आपकी डेफिनेशन क्लियर है सेक्शन टू क्लॉस फोर्टी में ये वाली लाइन हमने पढ़ी थी अवेलेबल फॉर डिविडेंट तो जैसे पीएनएल हो गया जनरल रिजर्व हो गया तो ये सारा आप यूज करके अपना डीआरआर बनाओ और डी आर आर डिबेंचर रिडेमशन रिजर्व का सिर्फ एकमात्र यूज है क्या रिडेमशन ऑफ डिचर्स विद्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिपोजिट ऑफ सम इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिवेंचर मेच्योर इन ड्यूरिंग द ईयर ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर इन अकॉर्डिंग विदो कंडीशन आरे मतलब अप्रिल टू मार्च में से मार्च के टाइम कौन सा डिबेंचर

ये इन्वेस्टमेंट है और डिपॉजिट्स एस द केस में भी नीचे कुछ बातें बता रखी है एक दो ये चार ये पांच छ ये सारी बातें बता रखी है अब ना ये सारी बातें अगर आप इसको ऐसे करोगे तो आपको ज्यादा कुछ मजा आएगा नहीं इससे अच्छा मैंने एक छोटा सा जो है वो टेबल बना दिया आप लोगों के लिए ठीक है ये डायरेक्ट मैंने टेबल बनाया समरी चार्ट बनाया मैंने कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ उसका जो भी वट एवर द रूल टॉक्ट अबाउट उस कंपनी के बारे में लिखा आगे डी आर आर बना बनाना है या नहीं बनाना है और डी आर आर तो बनाना होता है बुक्स के अंदर आप रिजर्व क्रिएट कर रहे हो आप क्या कर रहे हो जनरल रिजर्व या पी एन एल डेबिट टू डी आर आर लेकिन एट देन वो पैसा पैसा भी तो इन्वेस्ट करना है किसके अंदर इन्वेस्ट करना है वो मैं बताऊंगा लेकिन वो पैसा भी तो इन्वेस्ट करना है मतलब इन्वेस्टमेंट भी तो करनी है हाँ सर तो वो इन्वेस्टमेंट वाली बात मैंने यहीं पे आगे लिख दी है तो ये चार्ट आपको करना है ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा मेरे चैनल पे ठीक है नीचे लिंक दिया हुआ है फटा फटाफट से ज्वाइन कर लो वो आप ये वाला जो पूरा डिटेल फॉर्मेट है ये वाला जो पूरा डिटेल फॉर्मेट है ये आप एक बार टैली कर लेना समरी जो मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछो कोई इशू नहीं है ठीक है सर अब बताओ देखो ये जो जितनी बड़ी लिस्ट है ना ये जितनी बड़ी लिस्ट है इसमें से जो डी आर आर है अनलिस्टेड को बनाना होता है, इसको बाकी आप जितने देखोगे ना लिस्टेड या फिर एनबीएफ या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज तो ये सबको सबको आप आप देखोगे कि दे रखी है, दे रखी है ओके सो so एक बार जस्ट नाम रीड कर सकते हो फटाफट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड विद आरबीआई जैसे फॉर एक्साम्पल एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एक बैंकिंग कंपनी या फिर एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन टू क्लॉस टू ये अपना टू

लेकिन एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस है तो भी नहीं बनाना लेकिन अनलिस्टेड बैलेंस जो बच गई अनलिस्टेड बैलेंस जो बच गई उनको जो है डीआरआर बनाना है सर कितना टेन परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर वो मैं अभी आपको कराऊंगा और डिटेल में ठीक है तो आपके जितने भी आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है उसका टेन परसेंट आपको जो है डी आर आर में लेके जाना है सर डी आर आई वाला डीआरआई वाला देखो सबसे पहले ऐसे लर्न करो ये जो जिनको डीआरआर बनाना है क्या बोल रहा हूं मैं जिनको डी आर आर बनाना है उनको तो डी आर आर बनाना ही बनाना है जिनको डी आर आर जिनको डिबेंचर रिडेमशन रिजर्व बनाना है उनको डिबेंचर रिडेमशन इन्वेस्टमेंट तो पैसा तो अलग डिपॉजिट में ट्रांसफर करना ही करना है कितना 15 सर किसका वो मैं अभी आपको बताऊंगा सा रुक जाओ इसके सिवाय सिवाय इसके सिवाए ये जो लिस्टेड कंपनीज है ना इसके सिवाय जो लिस्टेड कंपनी है देखो लिस्टेड लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस एंड अदर इनको भी इनको भी आई बनाना है उनको भी अमाउंट डिपॉजिट कराना है डीआर आर नहीं बनाना है बुक्स में रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको अमाउंट अलग से डिपॉज़िट कराना है बाकी किसी केस में आपको डी आर आई भी नहीं बनाना तो ये चार्ट जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा उससे आपका काम आसान हो जाएगा अभी आगे बढ़ते हैं चलो अब उनके डेट वगैरह देख लो ये जो डी आर आई और ये जो इन्वेस्टमेंट वाली बातें हम कर रहे हैं उसकी एक बार डेट देख लो इट शल देखो डी आर आर के लिए मैंने एक, एक ही जगह बताया आपको टेन परसेंट फॉर अदर अनलिस्टेड कंपनीज अदर अनलिस्टेड मतलब अरे वो हाउसिंग फाइनेंस वगैरह को छोड़ के जो अदर लिस्टेड आई अदर अनलिस्टेड आई थी उनको टेन परसेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर जो है डी आर आर बनाना है तो बुक्स में एंट्री चढ़ जाएगी क्या पी एन एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेमशन रिजर्व कितना टेन परसेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स अब बात करते हैं सर इन्वेस्टमेंट के बारे में अब ये इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में ये जो है ना उन्होंने बोला आइटम नंबर ए क्लॉज सब क्लॉज थ्री क्लॉज बी कुछ नहीं करना है इसको लर्न आपने जैसे मैंने जैसा कराया उसको लर्न करो क्या जिसको डीआरआर बनाना है वो डीआरआर बनाएगा उसके सिवाय हर एक लिस्टेड कंपनी डीआरआर बनाएगी तो उनके लिए देखो क्या बोला देशल ऑन औन... और बिफोर द दर्टीएथ अप्रैल इन ईच ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंस इश्यूड एज द केस में भी कितना अ सम ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखो अ सम विच शैल नॉट बी बैन फिफ्टी परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स मेच्योरिंग ड्यूरिंग द थर्टी मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर मतलब सिंपल लो ना आप थर्टी मार्च ट्वेंटी है ये थर्टी मार्च ट्वेंटी है

ठीक है आ जाओ और इनको हमेशा इंश्योर करना है कि फिफ्टीन परसेंट से नीचे ना जाए ठीक है अब आ जाओ मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट चार मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लर्न करने हैं अरे मतलब ये इन्वेस्ट कहां करना है एफडी करानी है या आपको क्या करना है शेयर्स में पैसा डालना है नहीं लेकिन क्या क्या इन्वेस्टमेंट है वो देख लो इन डिपॉजिट्स थ एनी शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन सर शेड्यूल्ड बैंक मतलब अरे सारे शेड्यूल्ड आज के एच डी एफ सी आईसीआई सारे शेड्यूल्ड है उनके अंदर आप एक डिपोजिट कर दो एफ डी कर दो कोई दिक्कत नहीं है उसके ऊपर चार्ज वगैरह मत क्रिएट देन, होने देना देना इट शुड भी कंप्लीटली फ्री फ्रॉ एनी रिस्ट्रिक्शन अनएनकंबर्ड मतलब फ्री सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अनएनकंबर्ड सिक्योरिटीज एज पर ये क्लॉज अभी के लिए आप एज इट इज लर्न करोगे सब क्लॉज ए टू डी एंड ई ऑफ सेक्शन ट्वेंटी ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट में अब वाली कौन सी है क्या सिक्योरिटीज है वो डिटेल लेक्चर में जाएंगे अभी नहीं बॉन्ड्स बॉन्ड्स अभी मैं स्पेसिफिकली बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं किनके बाय एनी अदर कंपनी विच इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन ट्वेंटी सब क्लॉज एफ ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट एटीन एटी टू यह भी आपको स्पेसिफिकली लर्न करना है तो ये चार पहले दोनों तो बहुत ईजी लर्न करने के लिए इसमें थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा ठीक है इसके अंदर आप इन्वेस्ट करोगे एंड जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है दैट विल बी यूज ओनली फॉर ऑफ रिडेचर्स ओनली एंड ओनली रिडेमशन के लिए आप यूज करोगे ये रिपीट किया है सर अगर पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होंगे तो सर जो नॉन कन्वर्टेबल है उसके लिए आप डीआरआई करो उसके लिए आप करो अरे कन्वर्टेबल तो शेयर में आ जाएगा ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यूटिलाइजेशन ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिडेमशन ऑफ डिवेंचर ओके सब सेक्शन फाइव लिमिटेशन ऑन इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट ऑफर और इनविटेशन टू पब्लिक अगर आप पब्लिक ऑफर निकालने की सोच रहे हो अगर आप पब्लिक ऑफर निकालने की सोच रहे हो विध रिस्पेक्ट टू डिबेंचर्स तो उस केस में आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन है तो देखो एक नंबर लर्न करना है पांच नो कंपनी शेल इशू प्रोस्पेक्टस इन्विटेशन टू पब्लिक और टू इट में फाइव 500 पांच no से ऊपर जाना है तो आपको कुछ कंप्लाइंस करना पड़ेगा तो देखो फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स डिबेंचर्स अनलेस द कंपनी हैज बिफोर सच इशू अपॉइंटेड वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी एंड द कंडीशन गवर्निंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सच ट्रस्टी शेल बी एज प्रेस्क्राइब जो मैं आपको नीचे रूल रूल सब 2 में कराऊंगा ठीक है अगर 500 के ऊपर जाना है आपका एक डिबेंचर ट्रस्टी अलग चाहिए ऊपर जो सिक्योर डिबेंचर पड़ा वो अलग चीज थी ठीक है यहां पे मैं आपको डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में बता रहा हूं जो ध्यान रखेगा किसका सारे डिबेंचर होल्डर का कितना नंबर है मोर देन 500 जाने वाला है क्योंकि मोर देन फाइव को आप जो है ऑफर देने की बात चला रहे हो क्लियर है बात तो कंपनी को यह प्रोसीजर कंप्लाई करना है आज और पहले क्या क्या है नेम डिस्लोजर आपको क्या डिस्कलोज करना है नेम ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी शल बी स्टेटेड इन द लेटर ऑफ ऑफर इनवाइटिंग दब्सक्रिप्शन नोटिस एंड कम्युनिकेशन टू डिबेंचर होल्डर तो जब डिबेंचर होल्डर को आप सबसे पहले एक लेटर ऑफ ऑफर बोलोगे ना कि आओ हमारे डिबेंचर के अंदर पैसा डालो या आगे पीछे कोई भी कम्युनिकेशन होगा उसके अंदर नेम ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी आपका डिस्कलोज किया जाएगा आप ट्रस्टी से एक रिटर्न कंसेंट ले लेना और इस फैक्ट को डिस्कलोज करना कि मुझे डिबेंचर ट्रस्टी ने रिटर्न कंसेंट दी है ठीक है ये आपके आना चाहिए किसके अंदर आना चाहिए इसका इसका एक डिस्कलोजर लेटर ऑफ ऑफर में ताकि डिबेंचर होल्डर्स को पता चले कि ठीक है भैया डिबेंचर ट्रस्टी का कंसेंट आ चुका है और वो है अपॉइंट हो चुका है एलिजिबिलिटी आपको इंपॉर्टेंट है लर्न करनी है कुछ कुछ जने डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते सो अ पर्सन शल नॉट बी अपॉइंटेड एज ए डिबेंचर ट्रस्टी इफ ही बेनिफिशियली होल्ड शेयर इन द कंपनी सर कितना एनी इसके अंदर कोई क्वालिफाइंग परसेंटेज नहीं डाला है कि एक शेयर या दस परसेंट शेयर कोई भी शेयर कोई भी शेयर नहीं है उसका इन द कंपनी जो इश्यू करने वाली है डिबेंचर्स जो इश्यू कर रही है ये डिबेंचर्स और ही इज अ प्रमोटर डायरेक्टर और के और एनी अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट मतलब कैश का कोई एम्प्लॉय नहीं है कोई ऑफिसर नहीं है वो प्रमोटर नहीं है डायरेक्टर नहीं है केएमपी नहीं है, तो सर इन शॉर्ट डिबेंचर ट्रस्टी मुझे इंडिपेंडेंट चाहिए नॉट बी अपॉइंटेड इफ ही एंटाइटल टू मनी विच आर टू बी पेड बाई द कंपनी अदरवाइज रेम्यून पेबल टू द डिबेंचर ट्रस्टी मतलब कंपनी मतलब, ने उसको पैसा देना है अदर द रेम्यूरेशन क्योंकि रेम्यूनरेशन तो वो लेगा तो उसके सिवाय कोई इनडेटेड है कंपनी तो वो चीज गलत हो जाएगी नेक्स्ट ही इज इन डेटेड टू द कंपनी अरे मतलब अब उसको कंपनी को पैसा देना है या फिर कंपनी की सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट तो कैश और सिस्टर कंपनी मतलब सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग सर मतलब ए लिमिटेड की होल्डिंग है बी लिमिटेड और बी लिमिटेड की एक और सब्सिडरी सी लिमिटेड तो ए और सी आपस में यहां पे कवर हो जाएंगे नेक्स्ट इफ हिज फर्निस्ट एनी गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल डेट सिक्योर्ड बाय द डिबेंचर्स और इंटरेस्ट देर ऑन कोई डिबेंचर्स कोई प्रिंसिपल डेट है जिसकी सिक्योरिटी है बाई द और इंटरेस्ट और उसके रिस्पेक्ट में उसने गारंटी दे रखी है उस डेट के अगेंस्ट की मैं गारंटी देता हूं तो अब तू इस कंपनी का डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता मतलब इस कंपनी के डिबेंचर होल्डर के लिए तू जो है वो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता क्योंकि तू काइंड ऑफ गारंटी देकर बैठा है कल को तू पैसा देगा उसमें राइट नेक्स्ट इफ ही हैज एनी ये रिलेशनशिप विद द कंपनी द कंपनी बोल रहे इसमें एफिलियट्स कवर्ड नहीं है मैं सिर्फ उस कंपनी की बात कर रहा हूं जो डिबेंचर्स इशू करने वाली है रिलेशनशिप मतलब मनी इन्वॉल्व कितना कितना मनी इन्वॉल्व है उसमें लोअर ऑफ टू परसेंट और मोर इट्स ग्रॉस टर्न ओवर और टोटल इनकम क्वेश्चन में दिया जाएगा इनकम और फिफ्टी लैक्स विच एवर इज लोअर तो उसका वो जो लोअर अमाउंट आएगा उसके जितनी पेक्यूनरी रिलेशनशिप उस अमाउंट को हिट करने वाली पेक्यूनरी रिलेशनशिप मतलब मनी सब मनी इज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन कितना इन्वॉल्व है लोअर ऑफ टू परसेंट ऑफ ग्रॉस टर्न ओवर और फिफ्टी लैक्स और कोई और अमाउंट विच में भी प्रिस्क्राइब तो अभी कुछ नहीं आप उसको भूल जाओ सर ये पेकिनरी रिलेशनशिप कब देखना है करंट फाइनेंशियल ईयर और टू इमीजिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ठीक है नेक्स्ट इफ इज अ रिलेटिव ऑफ एनी प्रोमोटर और एनी पर्सन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज डायरेक्टर और के एमपी तो वो रिलेटिव है किसी प्रोमोटर का किसी बड़े आदमी का बड़ा आदमी मतलब कंपनी के डायरेक्टर और के एमपी तो वो खुद डायरेक्टर और के एमपी भी नहीं है ऊपर वाले में और यहां पे रिलेटिव भी नहीं है सर अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाए तो उसको फिल करनी पड़ेगी आओ द बोर्ड में फिल एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ट्रस्टी बट वाइल एनी सच वैकेंसी कंटिन्यूज द रिमेनिंग ट्रस्टीज और ट्रस्टीज इफ एनी मे एक्ट अरे मतलब अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाए उसकी डेथ हो जाए कुछ हो जाए तो उसको जो है वो बोर्ड फिल कराएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको फिल कराएंगे लेकिन तब तक के लिए क्या बैलेंस ट्रस्टीज एक्ट नहीं करेंगे कोई और जैसे हो सकता है ना दो डिबेंचर ट्रस्टी हो भाई तो अगर एक डिबेंचर ट्रस्टी हट गया तो ठीक है फिल कर देंगे लेकिन रिमेनिंग ट्रस्टी है या रिमेनिंग ट्रस्टीज जो भी बचे हैं वो एक्ट करेंगे बट नाउ आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द वेकेंसी कॉज सच वेकेंसी मतलब द कैजुअल वेकेंसी कॉज बाय रेजिग्नेशन ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी अगर रेजिग्नेशन हुआ है तो उस केस में वेकेंसी शेल बी फिल्ड विद रिटर्न कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स क्योंकि रेजिग्नेशन हुआ है तो इस केस में आप डिबेंचर होल्डर की मेजोरिटी का रिटर्न कंसेंट लो और फिर ही नया नया बंदा अपॉइंट करो ठीक है एनी डिबेंचर ट्रस्टी कैन ही बी रिमूव फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ टर्म यस ही कैन बी रिमूव अगर नॉट लेस देन मतलब मिनिमम थ्री फोर्थ इन वैल्यू ऑफ द डिबेंचर होल्डर जो है वो अगर उस चीज को अप्रूव कर देते क्या कि भैया हमें इसको निकालना है और ये अप्रूवल हो रहा है मीटिंग के अंदर ये अप्रूवल हो रहा है मीटिंग के अंदर तो अगर एक दो ने बोला तो काम नहीं चलेगा थ्री बाय फोर्थ वैल्यू वालों ने बोलना चाहिए ठीक है सर डिबेंचर ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स क्यों किया जा रहा है डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए सो अ डिबेंचर ट्रस्टी शेल टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स एंड रेड्रेस देयर ग्रीवियंस इन अकॉर्डेंस विद प्राइड रूल्स उसके बारे में छोटी सी बात पड़ेगी रूल नंबर एटीन सबरूल फोर में इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंच होल्डर्स रूल एटीन सबरूल 4 प्रोवाइड्स फॉर कन्वीनिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ द डिबेंचर होल्डर अरे एक बात बताओ उसको कैसे पता चलेगा डिबेंचर ट्रस्टी को कैसा पता चलेगा कि डिबेंचर होल्डर की कोई ग्रीवियंसेस है उनकी मीटिंग बुलानी पड़ेगी मीटिंग कैसे बुलाई जाएगी इन दोनों पॉइंट्स पौ में क्लॉज नंबर ए और क्लॉज नंबर बी मतलब मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं आप अभी लर्न करो इतना कि ए और बी के अंदर आओ द मीटिंग ऑफ द डिबेंचर होल्डर शल बी कन्वीड बाय द डिबेंचर ट्रस्टी ऑन रिक्विजेशन इन राइटिंग साइंड बाय द डिवेंचर होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट वन टेंथ इन द वैल्यू ऑफ डिवेंचर फॉर द टाइमिंग आउटस्टैंडिंग सपोज वन लाख रुपीज के डिबेंचर है तो उसका टेन परसेंट वन बाई टेन मतलब टेन थाउजेंड वालों ने अगर राइटिंग में एक रिक्वेस्ट दिया मतलब रिक्विजेशन दिया कि हमें मीटिंग चाहिए तो डिबेंचर ट्रस्टी को मीटिंग रखवानी पड़ेगी और हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट जिसका इंपैक्ट क्या हो रहा है इट कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रीच और डिफॉल्ट मतलब कुछ नेगेटिव बात हो चुकी है अब आप मीटिंग रखवाओ और विच इन द ओपिनियन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर अगर उसको लगता है डिबेंचर ट्रस्टीज को लगता है कि यार ये जो होल्डर है इनका इंटरेस्ट जो है वो इंपैक्ट हो चुका है तो एक काम करो फटाफट से इनकी मीटिंग बुलवा लो नहीं तो ये टेंशन में आ जाएंगे ठीक है ओके सर लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी एनी प्रोविजन इन द ट्रस्ट डीड फॉर सिक्योरिंग द इशू ऑफ डिबेंचर एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड ट्रस्ट डीड सीधी सीधी बात ट्रस्ट डीड में अगर आपने ऐसा कोई लिख दिया या कोई प्रोविजन आ गया वो वॉइड होगा अगर इन सो फार मतलब टू दैट एक्सटेंड एज इट वुड है इफेक्ट ऑफ एक्जेमटिंग अ ट्रस्टी फ्रॉम और इंडेमनीफाइंग हिम अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब उसने कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया और उसको आप एग्जेम कर रहे हो उसकी लाइबिलिटी से या फिर उसको आप इंडेम्निफाई करके दे रहे हो गलत है साफ अगर उसने गलती है तो ही विल सफर फॉर इट आप उसको इंडेमनीफाई नहीं करोगे आप उसको एग्जाम नहीं करोगे गलत है वो बात उसको सफर करने दो और ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किस केस में है वेयर ही फेल्स टू शो द डिग्री ऑफ केयर एंड ड्यू डिलीजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम हिम एज अ ट्रस्टी हैविंग रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ ट्रस्ट डिड कन्फरिंग ऑन हिम पॉर अथॉरिटी और डिस्क्रिप्शन मतलब उससे एक्सपेक्टेड उससे था यार इतना केयर एंड डिलीजेंस और फिर भी उसने गलती कर दी और अब आप उसको इंडेमनीफाई कर रहे हो आप उसको पेमेंट कर रहे हो या आप उसको एग्जाम कर रहे हो नहीं चलेगा साहब बिल्कुल नहीं चलेगा सब सेक्शन सेवन बोलेगा वो ट्रस्ट डीड वॉइड उसको मतलब हम निगेट कर देंगे इग्नोर कर देंगे और उसको बोलेंगे ना भैया तू लाइबल है क्लियर लेकिन सर फिर भी, फिर भी भी अगर मेजॉरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स मेजॉरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स जिनके पास मिनिमम थ्री बायथ वैल्यू है अगर वो इस चीज को कह देते हैं क्या कि सर इसको जो है हमें एग्जिमशन देनी है तो फिर लॉ कहेगा ठीक है भैया फिर हम उस केस में आपको अलाउ कर देंगे लेकिन ये वाली कंडीशन पूरी होनी चाहिए सो हिज लाइब्रिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग दो कंडीशन चेक करनी है मेजोरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर एंड उनकी वैल्यू क्या है मिनिमम थ्री बायथ मिनिमम थ्री बायथ ठीक है ये एग्जैक्ट ऐसा ही लिखना ये एग्जैक्ट ऐसा ही लिखना ऑफ़ डिबेंचर होल्डर कितने मेजोरिटी और उनकी वैल्यू कितनी थ्री बाय क्लियर है बातें वो अपने मीटिंग में आ गया मैंने कहा हो गया कह रहा है सर टेंशन हो रही है, मैंने रहा है मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ऐसा कंक्लूजन आ रहा है कि असेट ऑफ द कंपनी इनसफिशिएंट है या फिर अभी नहीं है लेकिन लाइकली टू बिकम इन फ्यूचर फॉर व्हाट फॉर डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एज एंड मेन इट बिकम्स ड्यू अच्छा ऐसा है फटाफट जा ट्रिब्यूनल के पास उसके बाद ट्रिब्यूनल में आफ्टर हियरिंग द कंपनी एंड एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द मैटर मे बाय ऑर्डर सर्टन रेस्ट्रिक्शन ऑन इनकमिंग ऑफ फर्दर लाइबिलिटी तो ट्रिब्यूनल बोलेगा कंपनी को अरे सुन मेरे को बिलीव हो चुका है क्योंकि डिबेंचर ट्रस्टी मेरे पास रोते रोते आया कि कल को तेरे को प्रॉब्लम हो सकती है या तो तेरे को प्रॉब्लम हो चुकी है तो एक काम कर फर्दर लाइबिलिटीज मत ले ठीक है एज द ट्रिब्यूनल मे कंसिडर नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर तो भैया तू तो एक काम कर अभी नई लाइबिलिटीज मत ले प्रॉब्लम हो जाएगी प्रॉब्लम हो जाएगी ओके यस सर सेक्शन टेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑन फेलियर टू रिडीम डिबेंचर और पे इंटरेस्ट ऊपर वाले में तो डिबेंचर ट्रस्टी को डर लग रहा था कि इनसफिशिएंट सफिशियंट है यहां पे तो डिफॉल्ट हो गया देखो वेयर अंपनी फेल्स टू रिडीम द डिवेंचर ऑन द डेट ऑफ मेच्यूरिटी और फेल्स टू पे इंटरेस्ट इट इज डी ऊपर तो डर था धक धक हो रही थी यहां पे तो फेलियर हो गया है डिबेंचर पे नहीं हुए इंटरेस्ट का डिफॉल्ट हो चुका है तो अब इस केस में डिबेंचर ट्रस्टी भी जा सकता है ट्रिब्यूनल के पास और इसमें डिबेंचर होल्डर भी जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास और फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल जो है फाइनल ऑर्डर देगा एंड देन आफ्टर हियरिंग द पार्टीज कंसर्न ही विल इट विल ऑर्डर द कंपनी टू रिडीम द डिबेंचर फोर्ट विथ इमीजिएटली ऑन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ड्यू दे रहा हूं तो उसके इसमें बेसिकली अब जो है पेमेंट ऑर्डर आ रहा है ट्रिब्यूनल के द्वारा ठीक है आगे अगर कोई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भैया मैं तेरे डिबेंचर लेता हूं और मैं उसको पेमेंट वगैरह करवाता हूं तो इट विल बी एंटर्ड एज ए डिग्री एज अ ऑर्डर मतलब डिग्री मतलब ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है सब सेक्शन थर्टीन ने बोला ये जो पूरा प्रोसीजर है विद रिस्पेक्ट टू डिवेंचर ट्रस्ट डीड ये सारा वॉट एवर द सीजी में प्रिस्क्राइब और वो रूल नंबर एटीन ऑलरेडी प्रिस्क्राइब है जो हमने पढ़ लिया है अब छोटी छोटी बातें इसके अंदर इन्होंने लिंक किया है सेक्शन नंबर वन एटी का 180 आपके कोर्स का पार्ट नहीं है इसके अंदर एक फाइनल में पढ़ते हैं अगर एक्सीड कर जाती है किससे एक्सीड कर जाती है अगर आपकी अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम तो उस केस में आपको एक एस पास करवाना पड़ता है उस केस में आपको एक एस पास करवाना पड़ता है ठीक है तो वही बात उन्होंने पे दे रखी है एंड इसके अंदर से बोरोइंग्स के अंदर से हम टेम्पररी लोन एक्सक्लूड करते हैं सर टेम्पररी लोन क्या होते हैं यह आपको जानने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि का पार्ट है बस इसमें जितना दिया उतना मैंने आपको बता दिया टेम्परी लोन एक्सक्लूड किए जाते हैं और यह चीज प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगती प्रोवाइडेड प्रोवाइडेडी टू वन थर्टी सेवन आर कंप्लाइड अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी डिबेंचर्स का अलॉटमेंट होगा तो जो है पी एस थ्री विद इन थर्टी डेज ऑफ अलॉटमेंट जो है वो फाइल किया जाता है ये नई बात नहीं है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो रूल नंबर ट्वेल्व चैप्टर नंबर थ्री में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ठीक है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में सो आई होप दैट इज क्लियर ये था हमारे साइड से चैप्टर नंबर फोर ये थोड़ा सा बड़ा हुआ रिविजन लेक्चर बड़ा हुआ बड़ा अगर आप देखोगे तो मैंने कोई भी चीज छुड़वाई नहीं है दैट इज द रीजन कि हमने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया है ठीक है तो आप इसके बेसिस पे अच्छे से क्वेश्चंस भी कर सकते हो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा डाउट आए तो मैं हुई ओके okay. टेलीग्राम के एमसीक्यू सारे सॉल्व कर लेना टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट स्टडी वेल टेक केयर बी सेफ बाय बाय